हेलो प्यारे बच्चों बच्चों, इस वीडियो में हम आपकी क्लास 12 इंग्लिश की बुक फ्लेमिंगो, उसका फोर्थ चैप्टर है ना। पहले तीन चैप्टर्स के हमने वीडियो तैयार कर लिए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। चौथा है द रैट ट्रैप। देखो, RAT और TRAP ये दोनों क्या एक साथ लिख दिए हैं, है ना। तो रैट ट्रैप, रैट माने चूहा, ट्रैप ट्रैप यानी जाल। तो देखो, ये जो चित्र दिख रहा है ये एक चूहेदानी है ना, ये चूहेदानी जिसको बोलते हैं, जिसमें चूहा फंस जाता है और उसको अपन कहीं बाहर ले जाके इसको खोल देते हैं और वो छोड़े आते हैं उसको जाके, है ना। तो चूहेदानी, जिसमें जब घर में ज़्यादा चूहे हो जाते हैं तो हम इसमें चूहेदानी में उन चूहों को पकड़ के और कहाँ छोड़े आते हैं, कहीं बाहर खुली जगह पर छोड़ आते हैं। तो लेखिका जो हैं सेल्मा लेगरलॉफ, ये इस संसार को एक चूहेदानी की संज्ञा देती हैं कि जिस तरह से इस चूहेदानी के अंदर क्या रखते हैं हम, कुछ खाने पीने की चीज़, रोटी का टुकड़ा हुआ है ना, या कुछ मिठाई जैसी चीज़, या जो भी चीज़ चूहों को पसंद आती है वो रख देते हैं हम इसमें, और चूहा उसके लालच में इसमें घुस जाता है। और जैसे ही वो इसमें घुसता है, कुछ इस तरह का लीवर लगा रहता है यहाँ पे, कि जैसे ही इसमें वो अंदर घुसता है वो लीवर क्या होता है, बंद हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब वो चूहा इसमें फंस जाता है। तो वैसे ही लेखिका कहती है कि ये जो संसार है ये भी एक चूहेदानी है, रैट ट्रैप है, ये बड़ा रैट ट्रैप है ना। तो इसमें क्या है, इस संसार में जो बहुत सुंदर सुंदर जो चीज़ें दिखती हैं हमको, लुभावनी चीज़ें जो दिखती हैं, बड़े बड़े मकान लोगों के, धनी लोगों के, है ना, लोगों की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ठीक है ना, और लोगों के जो ऐश्वर्य होते हैं, ऐशो आराम की चीज़ें, वो सामान्य व्यक्तियों को क्या करती हैं, लुभाती हैं, ठीक है ना। और एक बार उस जाल में व्यक्ति फंस जाता है तो फिर उससे वो निकल नहीं पाता है, ठीक है ना। तो बहुत ही एक प्यारी कहानी है, फेरी टेल जैसी है ये, है ना, जैसे परी कथाएं होती हैं ना वैसे। 1858 टू 1940 इनका जीवन काल है सेल्मा लेगरलॉफ का। वाज ए स्वीडिश राइटर, स्वीडन की लेखिका थी ये। स्वीडन कहाँ पे है, यूरोप के अंदर एक देश है ना, नॉर्वे फिनलैंड के पास में, तो वहाँ की है थी ये। हुज स्टोरी, जिनकी कहानियाँ हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मेनी लैंग्वेजेस, कई सारी भाषाओं में इनकी कहानियों को क्या किया जा चुका है, ट्रांसलेट किया जा चुका है, अनुवाद किया जा चुका है। ए यूनिवर्सल थीम रन्स थ्रू ऑल ऑफ देम, इनकी जो सारी कहानियाँ हैं इनमें एक मूल तत्व जो है वो सब में दिखाई देता है, और वो क्या है, ए बिलीफ दैट इज दैट द असेंशियल गुडनेस, एक ऐसा विश्वास विश्वास कैसा, कि द असेंशियल गुडनेस इन ह्यूमन बीइंग्स कैन बी अवेकंड, कि जो अच्छाई है मानव के अंदर उसे जगाया जा सकता है थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव, किसके द्वारा, समझ के द्वारा, उसको सहानुभूति के द्वारा और प्रेम के द्वारा, है ना। तो अपन कहते हैं ना कि प्रेम में बड़ी ताकत होती है, तो किसी से भी उसका हृदय परिवर्तन कराया जा सकता है। दिस स्टोरी इज सेट अमिड्स द माइंस ऑफ स्वीडन, ये कहाँ की पृष्ठभूमि है इसकी, जो स्वीडन की खाने हैं, माइंस जो हैं, है ना, जहाँ पे क्या निकलते हैं, विभिन्न प्रकार के तत्व निकलते हैं, वो जो खाने होती हैं, माइंस जो होती हैं उस पे, रिच इन आयरन ओर, और वहाँ पे कौन सा तत्व निकलता है, लोहा, जो लोहे का अयस्क होता है, कच्चा लोहा जो होता है वो वहाँ पे बहुत सारी उनकी खाने हैं। विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री एंड लेजेंड्स ऑफ दैट कंट्री, और ये जो माइंस हैं इन पे आधारित वहाँ की स्वीडन की क्या है, बहुत बड़ी हिस्ट्री है, और बहुत सारी कथाएं भी इन माइंस का आधार लिए हुए हैं, माइंस के ऊपर लिखी गई हैं, माइंस के जीवन के ऊपर लिखी गई हैं। द स्टोरी इज टोल्ड समवॉट इन मैनर ऑफ ए फेरी टेल, ये जो कहानी है रेड ट्रैप, इसे एक तरह से एक फेरी टेल की तरह लिखा गया है ना। फेरी टेल किसको बोलते हैं हम, परी कथा की तरह। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए मैन, एक बार एक व्यक्ति था, हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर, जो तार के बने हुए चूहेदानी बेचता रहता था। ही मेड देम हिमसेल्फ, वह उन्हें खुद बनाता था, तार की जो चूहेदानी वो खुद बनाता था, एट ऑड मोमेंट्स, जब उसे वक्त मिलता था फ्री टाइम में, फ्रॉम द मेटेरियल, किस सामान से, ही गॉट बाई बैगिंग, जिसे वो भीख में प्राप्त पाता था, कहाँ से, इन द स्टोर्स, है ना, बड़े बड़े जो गोदाम होते थे वहाँ पे जाके वो दुकानों पे खड़ा हो जाता था, तो वहाँ कुछ लोग उसको भीख में ये तार दे देते थे। और एट द बिग फार्म्स, या जो बड़े बड़े फार्म्स होते थे, फार्म हाउस होते हैं ना, उन जगहों पे से वो भीख में उसे ये चीज़ें मिलती थी।
बट इवन सो, लेकिन फिर भी द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, ये जो धंधा था, ये व्यापार जो था, ये विशेष रूप से कोई लाभदायक धंधा नहीं था. सो ही हैड टू रिजॉर्ट, अतः उसे बाध्य होना पड़ता था टू बोथ बैगिंग एंड पैटी थीवरी, दोनों के लिए, भीख मांगने के लिए भी और छोटी मोटी चोरी करने के लिए उसे बाध्य होना पड़ता था. टू कीप बॉडी एंड सोल टूगेदर, जिससे कि उसकी शरीर और उसकी जो आत्मा है वो दोनों साथ चल सके, है ना, क्योंकि खाली रैट ट्रैप बेचने से उसको भोजन नहीं मिल सकता था. तो क्योंकि शरीर को जिंदा रखना है ना, तो इसलिए क्या करता था, अपनी बॉडी को जिंदा रखना है, ठीक है ना, इसलिए उसे क्या करना पड़ता था, चोरी करनी पड़ती थी, है ना. और सोल को जिंदा रखने के लिए कि भाई वो मेहनत भी करता था, ट्रैप ट्रैप बनाता था. इवन सो, फिर भी हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, उसके कपड़े फटे टूटे होते थे. हिज चीक्स वर संकन, उसके गाल धसे हुए थे, है ना. एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज, और भूख उसकी आंखों से टपकती थी, दिखाई देती थी उसकी आंखों में स्पष्ट रूप से. नो वन कैन इमेजिन, कोई व्यक्ति कल्पना नहीं कर सकता. नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपियर टू सच ए वेगाबॉन्ड. कोई व्यक्ति कल्पना नहीं कर सकता कि कितनी दुखी और मोनोटोनस का मतलब होता है बिना किसी चार्म के, है ना, बिल्कुल एक ही रंग की एक लाइफ प्रतीत होती थी इस तरह से एक भटकते हुए जीव की. वेगाबॉन्ड किसको बोलते हैं, जो दर दर भटकता है उसको. हु प्लॉट्स अलोंग द रोड, जो कि सड़कों पर घूमता रहता था, है ना, थके हुए कदमों से. लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस, अपनी ही धुन में. बट वन डे, लेकिन एक दिन, दिस मैन हैड फॉलन इन टू ए लाइन ऑफ थॉट, उसको एक विचार आया विच रियली सीम्ड टू हिम एंटरटेनिंग, और उससे वो विचार बड़ा मजेदार लगा, एंटरटेनिंग लगा. ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप्स, है ना, वो किसके बारे में सोच रहा था, अपने रेड ट्रैप्स के बारे में सोच रहा था. वेन सडनली, तभी अचानक से, ही वाज स्ट्रक बाय एन आइडिया, उसे एक विचार आया, विचार कौंधा उसके मन मस्तिष्क में, दैट की द होल वर्ल्ड अराउंड हिम, कि उसके चारों ओर ये जो संपूर्ण संसार है, वाह, द होल वर्ल्ड, ये पूरा जो संसार है, विद इट लैंड्स एंड सीज, चाहे ये जमीन है चाहे ये समुद्र है, इट्स सिटीज एंड विलेजेस, चाहे इसके ये शहर हैं या गांव हैं, वाज नथिंग बट ए बिग रेट ट्रैप, ये और कुछ नहीं बल्कि एक बड़ा चूहेदान है, बड़ी चूहेदानी है. इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज, है ना, ये इस संसार का जो निर्माण है किसी और कार्य के लिए नहीं हुआ. देन टू सेट बेट्स फॉर पीपुल, इसका निर्माण तो लोगों के लिए लालच देने के लिए हुआ है. बेट किसको बोलते हैं, जैसे उस चूहेदानी के अंदर जो खाने पीने की चीज़ें रखी जाती हैं, तो वो प्रलोभन है ना. तो लेखक कह रहे हैं, लेखिका कह रही हैं कि ये जो संसार है, ये इसका निर्माण, है ना, लोगों को इस जाल में फंसाने के लिए किया गया है ना. कैसा जाल, वो मैंने आपको बताया था, ठीक है ना. इट ऑफर्ड रिचेज एंड जॉयज, ये जो संसार है ये ऐसो आराम, है ना, सुख सुविधाएं ऑफर करता है, शेल्टर ऑफर करता है, फूड ऑफर करता है, शेल्टर यानी रहने का स्थान, हीट एंड क्लोथिंग, वस्त्र करता है और गर्मी करता है. अब तुम कहोगे गर्मी ऑफर करने से क्या फ़ायदा है, बेटा ये कहाँ की है, स्वीडन की है ना. स्वीडन कहाँ पे है, यूरोप का कंट्री है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो वहाँ गर्मी जो है बड़ी आनंददायक होती है, ठीक है ना. और उन्हें अपने घरों को क्या रखना पड़ता है, गर्म रखना पड़ता है. एग्जैक्टली एज द रेड ट्रैप ऑफर्ड चीज, है ना, तो ये संसार इन इन चीज़ों को ऑफर करता है, ठीक उसी प्रकार जैसे कि जो रेड ट्रैप होता है वो उसके अंदर क्या डालते हैं, चीज़ डालते हैं, है ना, पनीर जैसी कोई चीज़ होती है, एंड पोर्क, सुअर का मांस रखते हैं उसके अंदर. अब अपने यहाँ तो ये चीज़ें रखते हैं, हो सकता है वह यूरोप में इस तरह की चीज़ें रखती हो, क्योंकि वहाँ पर आम बात होती है इस तरह की चीज़ें खाना, मांस वगैरह. एंड एज सून एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड टू टच द बेट, और जैसे ही कोई व्यक्ति टेम्प्टेड होता है ना, उसके प्रति आकर्षित होता है उस बेट को छूने के लिए, उस प्रलोभन को छूने के लिए, उस सामग्री को छूने के लिए, इट क्लोज इट ऑन हिम, उसमें वह बंद हो जाता है,
एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और उसके बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, ये जो संसार है ये उसके लिए कभी भी दयालु नहीं रहा। सो इट गेव हिम अनवॉन्टेड जॉय, अनवॉन्टेड मतलब अनयूजुअल, विशेष। तो इस बात को जैसे ही ये बात उसके दिमाग में आई तो उसे बड़ा जॉय मिला, आनंद मिला। टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे, है ना। अब देखो जब किसी व्यक्ति के प्रति संसार में कोई सहानुभूति नहीं रखता तो वो व्यक्ति संसार से भी सहानुभूति नहीं रखता, सीधी सी बात है। तो वो भी संसार का कोई खास भला नहीं सोचता है, तो इल थिंकिंग होती है उसके मन में भी संसार के प्रति। इट बिकेम ए चेरिस्ट पास टाइम ऑफ हिज, अब ये जो चीज़ थी, ये जो था कि भाई ये संसार क्या है, ये भी एक बड़ा रैट ट्रैप है, तो इस ख्याल से, है ना, उसको बड़ा आनंद आता था और उसका ये एक बड़ा आनंददायक पास टाइम बन गया था। ड्यूरिंग मैनी ड्रियरी प्लॉडिंग्स, जब वो बड़ी नीरस यात्राएं कर रहा होता था, सड़कों पे बेचता हुआ चल रहा होता था अपने रेड ट्रैप्स को उस समय। टू थिंक ऑफ द पीपुल ही न्यू, और वो उन लोगों के बारे में सोचता था हु हैड लेट देमसेल्फ बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर। स्नेयर का मतलब वही जाल, स्नेयर का मतलब क्या होता है, जाल, है ना, प्रिजन, कैद। तो वो उन लोगों के बारे में सोचता था जो इस जाल में फंस गए हैं, इस खतरनाक जाल के अंदर फंस गए हैं। एंड ऑफ अदर्स, और उन लोगों के बारे में भी हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट, जो अब क्या करना शुरू कर दिया उन्होंने, इस वेट के चारों तरफ उन्होंने चक्कर लगाना शुरू कर दिया है, ठीक है ना। वन डार्क इवनिंग, एक शाम, एक घनी रात जब शाम होने वाली थी, एज ही वॉज ट्रजिंग अलॉन्ग द रोड, जब वह चल रहा था सड़क के किनारे, ही कॉट साइट ऑफ ए लिटिल, उसे कुछ दिखा अचानक से, है ना, उसकी दृष्टि पड़ी ए लिटिल ग्रे कॉटेज, एक छोटी भूरे रंग की एक झोंपड़ी पर या एक घर पर, एक मकान पर, बाय द रोड साइड, सड़क के किनारे। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर, और उसने दरवाजा खटखटाया, टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, रात्रि को रुकने के लिए। नॉर वाज ही रिफ्यूज्ड, उसे मना नहीं किया गया, अर्थात उसे अनुमति मिल गई। इंस्टीड ऑफ द सावर फेसेस विच ऑर्डिनरली मेट हिम, तो नॉर्मली क्या होता था, लोग बड़े उसकी तरफ वो बनाते थे, विचित्र प्रकार की शकल बनाते थे और उसको दुत्कारते थे। तो दुत्कार पड़ने के बजाय द ओनर, उस घर का जो ब्राउन कॉटेज था उसका जो ओनर था, मालिक था, हु वाज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड, जो कि एक वृद्ध व्यक्ति था, ना उसके पत्नी थी ना ही उसके बच्चे थे, वाज हैप्पी टू गेट समवन, वो खुश हुआ, है ना, वो क्या हुआ, खुश हुआ। टू टॉक टू हिम इन हिज लोनलीनेस, कि चलो अच्छा है कोई उसे उसके अकेलेपन में कोई साथ देने के लिए मिला तो सही। इमीडिएटली, है ना, तो उसने उसको अंदर बुला लिया, तुरंत ही उसने, ही पुट द पोरीज पॉट ऑन द फायर, है ना। अभी तो पोरीज जो है एक तरह से आप इसको दलिया बोल सकते हो, खिचड़ी बोल सकते हो, या सबसे बेस्ट है आप इसको खीर बोल सकते हो, मिठाई, है ना, जैसे खीर होती है ना, वो उसने खीर चढ़ा दी आँच के ऊपर। एंड गेव हिम सपर, और उसे भोजन कराया। देन ही कार्ब्ड ऑफ सच ए बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल, और उसकी टोबैको रोल, तंबाकू की रोल होती है ना, हो सकता है वहाँ विदेशों में इस तरह से जैसे क्रीम रोल होती है ना, तो ऐसे तंबाकू की रोल होती होगी, तो उसको उसमें रख के पीते होंगे, इसमें काट के। तो उसने एक टुकड़ा खुद के लिए काटा, तंबाकू रोल में सर एक किसके लिए काट लिया, उसने बड़ा टुकड़ा उस व्यक्ति के लिए भी काट लिया, स्ट्रेंजर के लिए भी काट लिया। That it was enough both, जो कि उन दोनों के लिए पर्याप्त था, for the stranger's pipe and his own, है ना, stranger के हुक्के के लिए और उसके खुद के हुक्के के लिए, हुक्का होता है ना, हुक्के तंबाकू रख के पीते हैं, उस तरह से मान लो आप। Finally he got out, अंत में उसने क्या निकाल लिए, old pack of cards, ताश पत्ती निकाल ली पुरानी, एंड प्लेड मजोलिस, और एक खेल होता है जैसे अपने ताशपत्ती के खेल होते हैं ना, चार हाथ, सात हाथ हुआ, या अलग अलग तरह के खेल, रमी वगैरह, इस तरह की चीज़ें, है ना, विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, है ना, जब तक सोने का समय नहीं हुआ उसने उसके साथ क्या खेला, ताशपत्ती खेली। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस विद द कॉन्फिडेंसेज एज विद द पोरीज एंड टोबैको, है ना। तो उस वृद्ध व्यक्ति जिस प्रकार से वो अपनी खीर के लिए और टोबैको के लिए जेनरस था,
है ना, जिस प्रकार से उसने बड़ी स्वेच्छा से, बड़ी उससे दान के दान कह लो, या बड़े मन से उसने उसको पोरिज खिलाई, तंबाकू तंबाकू पिलाई उसने, है ना, तो उसी तरह से वो अपने कॉन्फिडेंसेस के प्रति भी जेनरस था, है ना, उदार था, उसने अपने जो कॉन्फिडेंसेस थे वो भी उसको बताए, जो उसकी गुप्त बातें थी वो भी उसने उस गेस्ट को बता दी, उस रैट ट्रैप सेलर को बता दी। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस, उसने उस आगंतुक को बताया, दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी हिज होस्ट हैड बीन ए क्रॉफ्टर, उसने बताया कि जब उसके प्रॉस्पेरिटी के दिन थे, है ना, जब वो समृद्ध था, उस समय वो एक क्रॉफ्टर था, एट रैम्सो आयरन वर्क्स, है ना, रैम्स जो बोल दो आप इसे, या रैम्सो बोल दो, है ना, तो क्रॉफ्टर था। अब क्रॉफ्टर का मतलब वैसे तो होता है कि जो व्यक्ति क्या करता है, कोई छोटी मोटी खेती का काम करता है किसी फार्म हाउस पे, है ना, तो यहाँ पे आप मान सकते हो क्रॉफ्टर को, क्या मान सकते हो आप, जैसे आयरन वर्क्स है, ये आयरन वर्क मतलब लोहे का काम जिस फैक्ट्री में होता है, तो वहाँ पे कर्मचारी था, ऐसे मान लो आप, ठीक है, एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और वो जमीन पे भी काम करता था। तो हो सकता है वो क्या करता हो, अब ये जो आयरन वर्क्स की फैक्ट्री है वहाँ पे एक बड़ा सा कोई फार्म हाउस भी हो उसके अंदर, तो उस पे खेती का काम करता होगा, ऐसे समझ लो आप, है ना। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, अब चूंकि वो क्या नहीं कर सकता था, दिन भर काम नहीं कर सकता था, वृद्ध हो गया था, इसलिए इट वॉज हिज काउ कि अब विच सपोर्टेड हिम, अब वो उसको कौन सपोर्ट कर रहा था, उसकी गाय सपोर्ट उसको कर रही थी, उस गाय से उसका खर्चा चल रहा था। यस हाँ, डेट बॉसी वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उसकी जो गाय थी, बॉसी गाय वाज बड़ी विशेष थी, वो विशिष्ट थी, स्पेशल थी, शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, वो हर दिन क्रीमरी के लिए मिल्क देती थी, अर्थात क्रीमरी क्या होता है, जहाँ पे क्रीम निकाली जाती है, मशीन होती है, तो वहां पे वो उस क्रीमरी में ले जाने के लिए मिल्क दूध देती थी। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनर इन पेमेंट, और उसने बताया उस वृद्ध व्यक्ति ने उस रेड ट्रैप सेलर को कि पिछले महीने उसे 30 क्रोनर मिले, क्रोनर एक तरह से जैसे हमारे यहाँ इंडियन रुपी होता है, उस तरह से वहां की ये स्वीडन की मुद्रा है। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, अब उस वृद्ध व्यक्ति को लगा कि यार इसको संदेह हो रहा है, इसको विश्वास नहीं हो रहा मेरी बात पे, इनक्रेडुलस ना, इसे क्या नहीं हो रहा, विश्वास नहीं हो रहा, फॉर द ओल्ड मैन, इसलिए वो वृद्ध व्यक्ति गॉट अप, उठा एंड वेंट, जब उसने बताई ना कि भाई मुझे 30 क्रोनर मिले इसके दूध बेचने से, तो उसके उसे लगा कि यार शायद इसको विश्वास नहीं हो रहा मेरी बात पे, तो इसलिए वो उठा, विंडो तक गया, टुक डाउन ए लेदर पाउच, उसने एक लेदर का वो निकाला, पर्स निकाला, विच हंग ऑन ए नेल, जो एक खूंटी पे लटका हुआ था, इन द वेरी विंडो फ्रेम, उसी विंडो के फ्रेम में, एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 कॉर्नर बिल्स, और उसने उसमें से, उस पर्स में से तुड़े मुड़े, रिंकल्ड यानी सरवट सलवट पड़े हुए, है ना, 10 कॉर्नर बिल्स निकाले, है ना, 10-10 रुपए के 3 नोट उसने निकाले। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट, फिर उसने उस अपना जो गेस्ट था, वो जो रेड ट्रैप सेलर था, उसकी आंखों के आगे लहराया कि देख भाई अब तो तेरे को विश्वास हो गया, नॉडिंग नोइंगली, है ना, यह समझते हुए कि हाँ अब इसको शायद विश्वास हो गया, एंड देन स्टफ्ड बैक देम बैक इन टू द पाउच, और फिर वापस उसने उनको उस पाउच में, उस पर्स के अंदर रख दिया। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन, अगले दिन दोनों जो है ना वो अच्छे मूड में उठे। द क्रॉफ्टर वाज इन हरी, जो वो जो क्रॉफ्टर था वो जल्दी में था कि उसे दूध निकालना था अपनी गाय का। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट, और वो जो जो उसका गेस्ट था, जो दूसरा आदमी था, वो जो रेड ट्रैप सेलर था, चूहेदानी बेचने वाला, उसने सोचा शुड नॉट स्टे इन बेड, कि उसे बिस्तर में अब नहीं सोना चाहिए। द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप, क्योंकि इस घर का मालिक खुद उठ गया है, सो इसलिए दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, उन्होंने उस घर को एक साथ वहाँ से निकले घर से। द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर, उस क्रॉफ्टर ने, उस व्यक्ति ने, घर के मालिक उस वृद्ध व्यक्ति ने घर का दरवाजा बंद किया, एंड पुट द कीज इन इज पॉकेट, और अपने पॉकेट में कीज चाबियाँ रख ली। द मैन विद द रेड ट्रैप्स सेड गुड बाय एंड थैंक यू, चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति ने उसे गुड बाय कहा, थैंक यू बोला, एंड दे आर अपॉन ईच वेंट ऑन हिज ओन वे, और दोनों अपने अपने काम पे चले गए।
बट हाफ एन आवर लेटर, लेकिन आधे घंटे बाद ही द रैट ट्रैप पैडलर, अब देखो ये पैडलर का मतलब है उठाईगीर, उचक्का, है ना, जो चोरी करके कुछ करता हो, तो ये रैट ट्रैप सेलर चोरी भी तो करता था ना, उचक्का था, उठाईगीर था, इस तरह से ऐसे समझ लो। तो वो रैट ट्रैप जो बेचने वाला था स्टूड अगेन बिफोर द डोर, वो दरवाजे के आगे फिर आके खड़ा हो गया। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की, यद्यपि, है ना, यद्यपि उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की। ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, वो बस विंडो के पास गया, स्मैश्ड ए पेन, है ना, उसने एक शीशे को स्मैश किया, हिट किया, चोट मारी, इस तोड़ दिया उसको, स्ट्रक इज इन हिज हैंड एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच, है ना, अपना हाथ फंसाया अंदर और उस पर्स को निकाल लिया। विद द 30 क्रोनर, जिसमें क्या रखे थे, 30 क्रोनर्स रखे हुए थे। ही टुक द मनी, उसने पैसा लिया, एंड थ्रस्ट इट इन टू हिज ओन पॉकेट, अपनी खुद की पॉकेट में रख लिया। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस, फिर उसने बड़ी सावधानी से उस लेदर के पाउच को, है ना, उस चमड़े के पर्स को बड़ी सावधानी से वापस उसी स्थान पर रख दिया, एंड वेंट अवे, और चला गया वहाँ से। एज ही वॉक्ड अलोंग, जब वो जा रहा था विद द मनी इन हिज पॉकेट, अपने पॉकेट में क्या रख के, पैसा रख के, ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड, और वह बड़ा खुश था विद हिज स्मार्टनेस, अपनी स्मार्टनेस के ऊपर। ही रियलाइज्ड ऑफकोर्स, निस्संदेह उसे थोड़ा सा रियलाइज हुआ, महसूस हुआ, दैट एट फर्स्ट ही डेयर नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, कि उसे भाई इस आम सड़क से अब नहीं चलना चाहिए, बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, बल्कि उसे ये रास्ता बदल लेना चाहिए, इन टू द वुड्स, और किस रास्ते से जाना चाहिए, ये जो जंगल वाला रास्ता है इससे जाना चाहिए, जिससे कि पकड़ा न जाए। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी, पहले कुछ घंटों के दौरान तो उसे कोई परेशानी नहीं हुई, लेटर इन द डे, लेकिन बाद में दिन में इट बिकेम वर्स, उसकी स्थिति गड़बड़ होने लगी। फॉर इट वॉज ए बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्योंकि ये जो फॉरेस्ट था ये बहुत बड़ा था और कन्फ्यूज करने वाला था। विच ही हैड गॉटन इन टू, जिसमें कि वो फंस गया था। ही ट्राइड, उसने कोशिश की, टू बी श्योर, है ना, टू वॉक इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, है ना, कि वह एक निश्चित दिशा में चले, ऐसा करने की उसने बहुत कोशिश की, बट द पाथ ट्विस्टेड बैक, लेकिन जो रास्ते थे वो घूम घुमैया वाले थे, भूल भुलैया वाले थे, घूम घूम के आ रहे थे, है ना, बैक एंड फोर्थ, आगे जाएं फिर पीछे आ जाएं, आगे जाएं फिर पीछे आएं, सो स्ट्रेंजली, इतनी विचित्र तरीके से। ही वॉक्ड एंड वॉक्ड, वो चलता गया विदाउट कमिंग टू द एंड, और उसे बिना अंत आए हुए, बिना एंड पे पहुंचे, वो चलता रहा उस जंगल के अंदर, एंड फाइनली ही रियलाइज्ड, और अंत में उसे ऐसा महसूस हुआ दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, कि वो जंगल के एक ही हिस्से में बार 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 क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, एक ही स्थान पर घूम रहा है। All at once he recalled his thoughts about the world and the rat trap, है ना, तुरंत ही उसे ध्यान आ गया, वो अपना वही विचार कि ये संसार क्या है, एक rat trap है, कि मैं भी फंस गया इस rat trap में। Now his own turn had come, अब उसका खुद का समय आ गया है, खुद फंस गया है इसमें। He had let himself be fooled by a weight, है ना, मैं उस बेट से खुद मूर्ख बन गया हूँ, मैं खुद उस प्रलोभन में फंस गया हूँ। एंड हैड बीन कॉट, और यानी मैंने खुद ने, स्वयं ने उस प्रलोभन के आगे मूर्ख बनना स्वीकार किया और मैं इसमें फंस गया हूँ। द होल फॉरेस्ट, पूरा का पूरा जंगल, विद इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेज, अपनी तनों से, शाखाओं से, इस थिकेट्स, झाड़ियों से, एंड फालन लॉग्स, गिरे हुए जो पेड़ थे, डालियां थीं, उनसे, क्लोज्ड इन अपॉन हिम, वो ऐसा लग रहा है कि वो सब उसके ऊपर, उसे घेर लिया है उन्होंने, लाइक इन इनपेनिट्रेबल प्रिजन, एक किसकी तरह घेर लिया है उन सब ने उसे, एक ऐसी जेल की तरह जिसमें से बाहर नहीं निकला जा सकता है, फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, और उसे ऐसा लगने लगा कि अब वो इससे कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। इट वॉज लेट इन डिसम्बर, दिसंबर का लास्ट का महीना था। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, अंधेरा पहले ही
उतर रहा था जंगल में, अर्थात जंगल में अंधेरा होने वाला था. दिस इंक्रीज द डेंजर, इसने उसके खतरे को और बढ़ा दिया. एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डेस्पेयर, और उसकी जो दुख था और उसकी निराशा क्या होने लगी, बढ़ने लगी. फाइनली ही सॉ नो वे आउट, अंत में उसे लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा. एंड ही सेंक डाउन ऑन द ग्राउंड टायर्ड टू डेथ थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम. अंत में वह हार थक के जमीन पे गिर गया. ट्राइड टू डेथ थिंकिंग दैट द लास्ट मोमेंट हैड, यह सोचते हुए कि अब उसका अंत समय आ गया और वो इतना थक गया जैसे कि कोई मृत्यु आ जाती है. बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर जमीन पे टिकाया, ही हर्ड ए साउंड, उसे एक आवाज सुनाई दी. ए हार्ड रेगुलर थम्पिंग, है ना, और वो आवाज अब कैसी थी, एक लगातार थड़ थड़ की आवाज थी, ठक ठक की आवाज आ रही थी. देयर वॉज नो डाउट, अब उसे कोई संदेह नहीं था एज टू वॉट दैट वॉज, कि ये क्या थी, है ना, वो समझ गया कि ये ठक ठक की आवाज़ें कहाँ से आ रही है, आयरन मिल से आ रही है. ही रेज्ड हिमसेल्फ, वह उसने अपने आप को खड़ा किया. दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स, वह समझ गया था कि ये जो ठक ठक की आवाज़ आ रही है, धड़ धड़ की आवाज़ आ रही है, ये हथौड़ों की चोट की निशान है फ्रॉम एन आयरन मिल, जो कि एक लोहे की मिल से आ रही हैं. ही थॉट, उसने सोचा, देयर मस्ट बी पीपुल नियर बाय, वहां पर अवश्य कुछ लोग होंगे. ही समंड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी पूरी ताकत को पुकारा. गॉट अप, खड़ा हो गया. एंड स्टेगर्ड, और लड़खड़ाते हुए चल दिया. इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, उस आवाज की दिशा में जिधर से आवाज आ रही थी, हथौड़ों से लोहे को पीटने की आवाज आ रही थी, उधर उसने चलना शुरू कर दिया. द रैम्सो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन, अब लेखिका कह रही हैं कि वो जो थी वो कहाँ से आवाज़ आ रही थी, रैम्सो आयरन वर्क से आती, एक फैक्ट्री थी जिसका नाम था रैम्सो आयरन वर्क, है ना, जो कि अब क्या हो गई है, वो फैक्ट्री बंद हो गई है. वर नॉट सो लॉन्ग अगो, है ना, कुछ समय पहले ही, है ना, अभी बंद हुई है वो, लेखिका कह रही हैं, लेकिन कुछ समय पहले ए लार्ज प्लांट, वह एक बड़ा प्लांट था, एक बड़ी फैक्ट्री थी, विच विद स्मेल्टर्स, उसमें क्या थी, लोहे को पिघलाने की भट्टियाँ थीं, रोलिंग मिल्स थीं, लोहे को चपटा करने की, है ना, उसको चादर के रूप में खींचने की, पीटने की मिल्स थीं. एंड फोर्ज का मतलब होता है उसको गर्म करके मनचाहा आकार दे देना. इन ये सारी चीज़ें, स्मेल्टर्स थे, रोलिंग मिल्स थी उसमें, और फोर्जिंग मशीन्स थी. इन द समर टाइम, गर्मियों के दिनों में, लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड बार्जेज एंड स्काउज, है ना, अब ये जो है, ये जो फैक्ट्री थी वो किसके किनारे थी, एक नहर थी, है ना, कैनल, स्लिड डाउन द कैनल विच लेड टू ए लार्ज इनलैंड लेक, है ना, अब ऐसे समझो आप कि इसमें जो, अब ये जो आयरन मिल है इसमें क्या आएगा, कच्चा लोहा आएगा, और बन के उस फैक्ट्री में तैयार होके कहाँ जाएगा, दूसरी जगह पे जाएगा बिकने के लिए, है ना, तो ये सब आवागमन जो था वो बड़ी बड़ी नावों के द्वारा होता था, क्योंकि वहाँ पे क्या था, है ना, कैनल थी, नहर थी, तो उसमें नहर में नावों के द्वारा यानी जल यातायात के द्वारा ये काम होता था. तो ये बार्ज एंड स्काउज का मतलब वही हो गया, बोट्स हो गई, पानी में चलने वाली बोट्स, है ना, तो वो स्लिड डाउन चलती रहती थी उस नदी में, उस नहर में, विच लेड टू ए लार्ज इनलैंड, जो कि किसमें जाके मिलती थी, एक बड़ी लेक में जाके मिलती थी वो नहर. और इन द विंटर टाइम, और सर्दियों के दिनों में, द रोड्स नियर द मिल, है ना, जो सड़क के किनारे जो मिल्स मिल के किनारे जो सड़क थी, वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट, वो बिल्कुल काली हो जाती थी, किसी वजह से, कोयले की धूल की वजह से. अब कोयला क्यों चाहिए, क्योंकि भट्टी में जलाना है लोहे को पिघलाने के लिए, है ना. विच सिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारगोल क्रेट्स, क्रेट्स का मतलब वही हो गया, है ना, बड़े बड़े जो वो होते हैं, कंटेनर जो होते हैं, बर्तन जो होते हैं, है ना, या जैसे रेलगाड़ी का डिब्बा होता है वैसे समझ लो आप, तो उनमें से क्या गिर जाता था, बड़ा चारकोल गिर जाता था, कोयला गिर जाता था, है ना, तो कोयले का चूरा गिर जाता, उससे सड़कें क्या हो जाती थी, काली हो जाती थी. ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स, एक लंबी शाम, अंधेरी शाम के समय, उस दिन की बात है जब वो पहुंच रहा था वहाँ पे जंगल में से, अब वो बाहर निकल रहा है, जस्ट बिफोर क्रिसमस, ये जस्ट कब की बात है, जस्ट क्रिसमस से पहले की बात है. द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर,
है ना। अब उस फैक्ट्री के अंदर जो रैमसो आयरन मिल थी उसके अंदर जो मास्टर स्मिथ था, स्मिथ का मतलब वो लोहार जो होता है, जो मुख्य लोहार था वो, और उसका जो हेल्पर था सेट इन द डार्क फोर्ज, वो एक अंधेरी फोर्ज मशीन के पास बैठे हुए थे, अंधेरे में फोर्ज मशीन के पास बैठे हुए थे जो फोर्जिंग करती है, लोहे को चोट मार के विभिन्न प्रकार के आकारों में ढालती है, नियर द फर्नेस, भट्टी के पास। और वो क्या कर रहे थे दोनों, मास्टर स्मिथ और उसका हेल्पर, वेटिंग फॉर द पिग आयरन, कच्चे लोहे का इंतजार कर रहे थे, विच हैड बीन पुट इन द फायर, जो कि किस में पटका हुआ था उन्होंने, भट्टी में पटका हुआ था, टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, और उसको किसके लिए तैयार किया जा रहा था उस लोहे को गर्म करके, एनविल के ऊपर रख के। एनविल क्या होता है, जैसे ऐसे एक बड़ी सी वो होती है ना, इस पर उस गर्म लोहे को रखते हैं और ऊपर से फिर ऐसे चोट मारती है मशीन, धड़ से गिरती है। तो ये जो नीचे का बेस है ये एनविल कहलाता है, ये नीचे का बेस क्या कहलाता है, एनविल कहलाता है। एवरी नाउ एंड देन, यदा कदा, वन ऑफ देम गॉट अप, कभी कभी उनमें से एक जना उठता था, टू स्टिर द ग्लोइंग मास विद ए लॉन्ग आयरन बार, उसको चलाने के लिए, है ना, जैसे मिक्स करते हैं ना, उसको मिक्स करने के लिए उस ग्लोइंग चमकते हुए, है ना, लोहे के उसको, है ना, लोहे का जो वो था भट्टी के अंदर जो लोहा पिघल रहा था उसको थोड़ा सा मिक्स करने के लिए, ठीक है ना, विद ए लॉन्ग आयरन बार, किससे मिक्स करते थे वो, एक लंबी लोहे की छड़ से मिक्स करने के लिए, वो उनमें से एक व्यक्ति खड़ा होता था, रिटर्निंग इन ए फ्यू मोमेंट्स, कुछ क्षण बाद वो वापस लौट आता था उसको चला के, है ना, ड्रिपिंग विद परस्पिरेशन, और उसे क्या आने लग जाते थे, पसीने टपकने लग जाते थे उसके, क्योंकि भट्टी पे था ना, भट्टी के पास जाना पड़ता था, दो एज वाज द कस्टम, है ना, जैसी कि वहाँ की क्या थी, परंपरा थी, ही वोर नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं पहन रखा था, बट ए लॉन्ग शर्ट, बस एक लंबी चोगा सा पहन रखा था, एक लंबा चोगा सा पहन रहा था जो कि वहाँ की ड्रेस हुआ करती थी उस फैक्ट्री की, एंड ए पेयर ऑफ वुडन शूज, और क्या एक जोड़ी उन्होंने, एक एक जोड़ी क्या पहन रखे थे, लकड़ी के जूते। लकड़ी के जूते क्यों, क्योंकि लकड़ी कैसी होती है, ऊष्मा की कुचालक होती है, जिससे कि गर्म नहीं हो, पैर जले नहीं। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्ज, उस फोर्ज मशीन जो चल रही थी वहाँ पे हर समय कुछ किसी न किसी प्रकार की आवाज़ आती रहती थी। द बिग बेलोज ग्रोंड, है ना, अब ये बेलो का मतलब होता है धोकनी, है ना, अब तुम कहोगे धोकनी क्या चीज़ है, कभी अगर तुमने गाड, ये जो होते हैं ना गाडोलिया लोहार जो होते हैं, जो लोहे की विभिन्न प्रकार की चीज़ें बनाते हैं, है ना, वो क्या नाम है, फावड़ा, कुल्हाड़ी, दांतरे, है ना, उस तरह के जो है ना, तो वहाँ वो भट्टी में पहले उसको लोहे को क्या करते हैं, उनकी छोटी सी भट्टी होती है, सिगड़ी मान लो, उसको गर्म करते हैं, है ना, तो उसको गर्म करने के लिए एक वो इस तरह का वो चलाते हैं, चकपहिया सा होता है, पहिया चलाते हैं, एक मशीन सी होती है जो उसमें हवा फूंकती है, तो वो हाथ से उस पहिए को चलाते हैं जिससे उससे क्या निकलती है, हवा निकलती है, ठीक है ना। बिग बेलोज ग्रोंड, है ना, तो ग्रोंड का मतलब क्या है, एक आवाज़ आना, विचित्र विशि अलग तरह की आवाज़ निकलती थी उन धोकनियों में से। एंड द बर्निंग ऑफ कोल क्रैक्ड, है ना, और जलते हुए किसकी आवाज़ आती थी, कोयले के चटकने की आवाज़ आती थी जलते समय। द फायर बॉय, और एक जो लड़का था जो कि फायर बॉय था, शॉवल्ड चारकोल इनटू द मो ऑफ द फर्नेस, वो उसमें भर भर के, सॉवल में भर के, है ना, सॉवल क्या होता है, एक तरह से एक वो हो गया पात्र हो गया जिसमें एक डंडी लगी रहती है और आगे की तरफ उसमें कोयला भर के और उसमें भट्टी में फेंक देते हैं, तो वो शॉवल हो गया, ठीक है ना। विद ए ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, है ना, और एक उस जब वो पटकता था तो उसमें बड़ी क्लैटर की आवाज़ आती थी, मर चटचटाने की आवाज़ आती थी। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, है ना, और उस रैमसो आयरन वर्क जो था उसके बाहर किसकी आवाज़ आ रही थी, एक झरने की आवाज़ आ रही थी। एंड ए शार्प नॉर्थ विंड विप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, और उसी समय क्या हो रही थी, तेज उत्तरी हवाएं जो थी, है ना, वो उनकी वजह से जो बरसात आ रही थी, वो बरसात की बूंदें तेजी से आ आके उसकी जो छत थी उस रैमसो आयरन वर्क्स की, उसकी ब्रिक टाइल्ड, है ना, उस छत पहले जैसे विशेष जो ऐसी जो फैक्ट्रियां होती हैं उनकी छत जो है ना वो टिन टिन शेड जैसे होता है ना उस तरह की होती हैं, और उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, ब्रिक्स लगा देते हैं, उनकी बनी हुई थी, उस पर टकरा के क्या आ रही थी, आवाज़ आ रही। तो कहने का मतलब ये है कि उस फैक्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज, इस सारे की सारी आवाज़ों की वजह से, देट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस, कि वो जो ब्लैक स्मिथ था लोहार जो था उसने ध्यान
नहीं दिया. दैट ए मैन हैड ओपन द गेट, कि किसी व्यक्ति ने दरवाजा खोला है. एंड एंटर द फोर्ज, और फोर्ज में अंदर आ गया है. अंटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस, जब तक उसे पता नहीं चला, जब तक कि वो कहाँ नहीं आ गया, उस भट्टी के नजदीक नहीं आ गया. Surely it was nothing unusual for the poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes and to come in to warm themselves in front of the furnace. है ना. अब है क्या एक्चुअली में, कि जो इस तरह के लोग होते हैं, भिखारी हुए, भटकने वाले हुए, दर दर भटकने वाले हुए, तो वो लोग जो है ना, रात का जैसे अंधेरा होता है, तो अब उस जो भट्टी है उसमें ऊपर भट्टी की जो लौ जलती है तो उसमें प्रकाश होता है ना, तो उस प्रकाश से वो आकर्षित होके, है ना, और कि भाई उनको पता है कि इसमें भट्टी जल रही, तो सर्दियों का मौसम होता है, तो वो अंदर थोड़ा सा गर्मी लेने के लिए वहाँ पर घुस आते हैं. तो इसलिए कोई विशेष बात नहीं थी, एक नॉर्मल बात थी. तो श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल, ये कोई अनयूजुअल नहीं था, है ना, कि इस तरह के पुअर बेगाबोंड विदाउट एनी बेटर शेल्टर, जिनके पास कोई अच्छा रहने का स्थान नहीं होता है रात्रि के लिए, टू बी अट्रैक्टेड, वो आकर्षित हो जाते हैं, टू द फोर्ज, इस आयरन मिल में, बाय द ग्लो ऑफ लाइट, किसकी वजह से, क्योंकि लाइट चमक रही होती है, कोयला जलता है ना उसकी, विच एस्केप्ड, और वो लाइट किस में से दिखती है चमकती हुई, थ्रू द सूटी पेन्स, है ना, ऊपर क्या लगे हुए हैं, कांच लगे हुए हैं, और हालांकि उन कांचों पर क्या जम गई है, कालिख जम गई है, लेकिन फिर भी उनमें से थोड़ा बहुत प्रकाश तो बाहर आता ही है, तो उस प्रकाश से आकर्षित होकर लोग उसमें आ जाते हैं. एंड टू कम इन, और वो अंदर आ जाते हैं, टू वार्म देमसेल्फ, अपने आप को गर्मी देने के लिए, क्योंकि ठंड पड़ती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा. इन फ्रंट ऑफ द फर्नेस, इन फ्रंट ऑफ द फायर, किसके आगे, आग के आगे. द ब्लैक स्मिथ्स ग्लांस्ड ओनली कैजुअली, अब वो जो मास्टर ब्लैक स्मिथ था और उसका जो हेल्पर था, उन्होंने देखा उसकी तरफ, बस यूं ही कैजुअली देखा, हाँ ठीक है, क्योंकि ऐसे पहले भी आते रहते थे लोग, इस तरह के भिखारी टाइप, या जो जिनका कोई रहने का ठिकाना नहीं होता था, इस तरह के, तो उन्होंने उनकी तरफ एक नज़र डाली. एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर, है ना, इंट्रूडर का मतलब घुसपैठिया, जो बिना आपकी इजाज़त के आ जाए, है ना, तो उसकी तरफ उन्होंने एक नज़र डाली, बिल्कुल कैसे, कैजुअल, हाँ बल ठीक है, आ रहा है तो आ रहा है, इनडिफरेंट, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो. ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, है ना, विद ए लॉन्ग बियर्ड, डर्टी रैग्ड, एंड विद ए बंच ऑफ रेड ट्रैप्स डेंजलिंग ऑन हिज चेस्ट, है ना. अब वो जो व्यक्ति था रेड ट्रैप वाला, वो कैसा दिखाई दे रहा था, जैसा कि इस तरह के लोग अक्सर दिखते हैं, लंबी दाढ़ी थी, लॉन्ग बेयर्ड, लंबी दाढ़ी थी, गंदे फटे टूटे उसने कपड़े पहन रखे थे, एंड विद ए बंच ऑफ रेड ट्रैप्स, और बहुत सारे चूहे दानियां उसके लटकी हुई थी, डेंजलिंग लटकी हुई थी उसके चेस्ट पर, उसके सीने पर, गर्दन से उसने बहुत सारी क्या लटका रखी थी, गर्दन पर या कंधे पर, मान लो कैसे भी, है ना, वो चूहे दानियां लटका रखी थी. He asked permission to stay, है ना, उसने रेड ट्रैप सेलर ने उससे वहाँ पर रुकने की इजाज़त मांगी. एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ, और जो मास्टर ब्लैक स्मिथ था उसने नॉडेड, सिर हिला दिया, ए हॉटी कंसेंट, है ना, हॉटी कंसेंट का मतलब, हॉटी कंसेंट यानी सहमति, हॉटी का मतलब जैसे कि सामने वाले को कोई हम खास नहीं समझें, है ना, अपने आप को सुपीरियर समझें और सामने वाले को घटिया समझें, उसको बोलते हैं हॉटी, ठीक है ना. विदाउट ऑनरिंग हिम, बिना उसका स्वागत करे, विद ए सिंगल वर्ड, एक शब्द भी नहीं बोला, बस उसने ऐसे गर्दन हिला दिया, हाँ ठीक है, इस तरह से. द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग, अब देखो ये नया शब्द आया ट्रैम्प, ट्रैम्प का मतलब वही वेगाबोंड हो गया, है ना, भटकंतु जीव, है ना, वो जो था खानाबदोश, ठीक है ना, तो वो जो ट्रैम्प था, डिड नॉट से एनीथिंग, उसने भी एक शब्द नहीं बोला. ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक, वो यहाँ बात करने लिए नहीं आया था, बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, बस वो तो अपने आप को गर्म रखने के लिए और सोने के लिए आया था, सर्दी से बचने के लिए और सोने के लिए आया था. इन दोज डेज, उन दिनों, द रैम्सो आयरन मिल वॉज ओन्ड बाय ए वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, है ना, उन दिनों ये जो रैम्सो आयरन मिल थी, इसके मालिक एक बड़े, है ना, प्रोमिनेंट, बड़े प्रसिद्ध आयरन मास्टर थे, है ना, उनकी थी ये,
हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वाज, जिनकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा ये थी टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट, कि वो बाजार में अच्छी क्वालिटी का लोहा बना के बेच सकें। तो ही वास्ड बोथ नाइट एंड डे, वो इसलिए दिन रात अपने काम को क्या करता रहता था, देखता रहता था, टू सी दैट द वर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल, कि ये जो काम हो रहा है लोहे की सामान बनाने का, ये बेस्ट से बेस्ट हो रहा है जैसा वो चाहता है वैसा। एंड एट दिस वेरी मोमेंट ही केम, और इसी क्षण वो भी आ गया इन टू द फोर्ज, उस आयरन मिल के अंदर, ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड ऑफ इंस्पेक्शन, जैसे कि उसके रात्रिकालीन निरीक्षण के ट्रिप होते थे, उस ट्रिप पे वो आ गया। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ, स्वाभाविक रूप से जो पहली चीज उसने देखी, वाज द टॉल रेगा मफिन, एक लंबा, है ना, रेगा मफिन का मतलब वही है ना, टूटे फटे टूटे कपड़े पहने हुए एक व्यक्ति, है ना, हु हैड ईज्ड हिज वे सो क्लोज टू द फर्नेस, कि जिसने अपने आप को जो भट्टी है उसके इतना नजदीक आराम से सुला रखा है खुद को, अपने आप को, दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैग्स, कि उसके जो कपड़े हैं फटे टूटे कपड़े, उनमें से क्या उठ रही है, स्टीम उठ रही है, क्योंकि देखो वहाँ जंगल में था वो, बरसात भी हो रही थी तो भीग गया होगा वो, तो कपड़े सारे क्या थे उसके, गीले थे। जैसे ही वो किसके पास आया, भट्टी के पास आया, और वो बिल्कुल नज़दीक चला गया भट्टी के, है ना, तो इसलिए उसके कपड़ों में से किसकी जो पानी था उसके वाष्पीकृत होके, वेपोराइज होके ऊपर उठने की मतलब पानी ऊपर उठता हुआ, स्टीम बनता हुआ नजर आ रहा था। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ्स, आयरन मास्टर ने जैसा ब्लैक स्मिथ्स ने किया था कि बिना पूछे ताछे, उससे पूछा भी नहीं कहाँ से आया, क्या नाम है तेरा, है ना, तो कहने का मतलब ये कि आयरन मास्टर ने वह नहीं किया जैसा कि ब्लैक स्मिथ्स ने किया था, हु हैड हार्डली डेंड टू लुक एट द स्ट्रेंजर, जिन्होंने मुश्किल से भी, जिन्होंने जहमत नहीं उठाई थी उस स्ट्रेंजर से बात करने की, है ना, जिन्होंने दोनों के दोनों ने, वो जो आयरन जो क्या नाम है स्मिथ था, ब्लैक स्मिथ, उसने भी और उसका जो हेल्पर था, दोनों ने अपने उनको क्या समझा था, उस जो रेड ट्रैप चला था उस अपने से वैसा समझा, नीचे लेवल का समझा था, इसलिए उन्होंने उससे बात ही नहीं की थी। तो लेकिन उसने ऐसा नहीं किया जो आयरन मास्टर था, उसने ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, वह चल के उसके नज़दीक गया, लुकड हिम ओवर वेरी केयरफुली, उसकी ओर बड़े ध्यान से देखा, देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट टू गेट ए बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, है ना, तब उस आयरन मास्टर ने उसके चेहरे पे से जो टोपी थी वो हटा दी, जिससे कि उसे अच्छी तरह से वो उसका व्यू दिख सके। तो जैसे ही उसने उसको देखा, बट ऑफकोर्स इट इज यू नील्स ओलोफ ही सैड, हाउ यू डू लुक, है ना, वो बोला, अरे ये क्या नील्स ओलोफ तुम हो यहाँ, हाउ डू यू लुक, ये तुमने क्या बना रखा है अपने आप का। द मैन विद द रेड ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रेम्सो, जो चूहेदानी बेचने वाला जो व्यक्ति था उसने तो कभी पहले आयरन मास्टर को देखा ही नहीं था यहाँ रेम्सो में, एंड डिड नॉट इवन नो, और वो ये भी नहीं जानता था वॉट हिज नेम वाज, कि उसका नाम क्या है, उस आयरन मास्टर का नाम क्या है। बट इट अकर्ड टू हिम, लेकिन उसे ऐसा लगा, दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट, कि ये जो श्रीमान सज्जन पुरुष है, ये जो आयरन मास्टर है, इसका मालिक जो है ये इस आयरन मिल का, है ना, थॉट ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, कि अगर ये मुझे अपना पुराना परिचित समझ रहा है, ओल्ड एक्वेंटेंस, अगर ये व्यक्ति मुझे चाहे गलती से ही अपना पुराना परिचित समझ रहा है, ही माइट परहैप्स, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ही माइट परहैप्स थ्रो हिम ए कपल ऑफ क्रोनर, तो अच्छा है, ये तो हो सकता है मेरे ऊपर तरस खा के जान पहचान का समझ के मुझे कुछ क्रोनर ये दे सकता है, मेरे ऊपर कुछ क्रोनर फेंक सकता है, अर्थात मुझे ये कुछ क्रोनर्स क्या कर सकता है, दे सकता है। देयरफोर ही डिड नॉट वॉन्ट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस, इसलिए वह तुरंत उसको सब कुछ साफ साफ नहीं बता देना चाहता था। यस गॉड नोज, अब उसने बोल दिया, यस yes, हाँ गॉड नोज, ईश्वर ही जानता है, थिंग्स हैव डन डाउनहिल विद मी, कि मेरे साथ बड़ी दुखद घटनाएं घटित हुई हैं, मेरे साथ बड़ा बुरा हुआ है, मेरा भाग्य अच्छा नहीं रहा,
ही सेड, उसने कहा. किसने कहा? रेड ट्रैप सेलर ने कहा. उसने, रेड ट्रैप सेलर ने सोचा कि ये जो आयरन मास्टर है इसको गलतफहमी हो गई है, ये मुझे अपना पुराना परिचित समझ रहा है ना, तो अच्छा है मैं इस स्थिति का फायदा उठाऊं. और उसने कहा हाँ, है ना, समय का फेर है, ईश्वर ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरे साथ सब कुछ चीज़ें क्या हुई हैं, उल्टी हुई हैं, है ना. गॉड नोज हाउ थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी. डाउन हिल का मतलब होता है पहाड़ी से नीचे की तरफ, तो नीचे का मतलब क्या होता है, विपरीत दिशा में, यानी मेरे साथ कितना विपरीत हुआ है, गलत हुआ है. यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट. अरे भाई, तुम्हें तो रेजिमेंट से रिजाइन नहीं करना चाहिए था, रेजिमेंट की नौकरी तुम्हें छोड़ के नहीं आनी चाहिए थी. सेड द आयरन मास्टर. अब आयरन मास्टर क्या समझ रहा है, उसको कोई आर्मी का आदमी समझ रहा है. दैट वॉज द मिस्टेक. ये तो तुमने गलती करी. इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम. अगर मैं सर्विस में होता उस समय तो आई नेवर वुड हैव हैपन्ड. इट नेवर हैड वुड हैव हैपन्ड. तो मैं ऐसा नहीं होने देता. वेल, अच्छा ठीक है, नाउ ऑफकोर्स यू विल कम होम विद मी. अच्छा अब ठीक है, जो कुछ हुआ जो हो जाने दो, अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलो. टू गेट अलोंग अप टू द मैनर हाउस. मैनर हाउस का मतलब होता है एक बड़ा विशाल घर. अब वो आयरन मास्टर क्या है, वो तो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री का मालिक है, तो उसका घर क्या होगा, एक विशाल घर होगा. तो मैनर हाउस का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ी कोठी. तो टू गो अलोंग अप टू द मैनर हाउस, उस कोठी पर जाना. एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड. कॉमरेड का मतलब होता है साथी, और एक ऐसे व्यक्ति जो कि रेजिमेंट. अब ये जो आयरन मास्टर है, ये हो सकता है पहले किसने सर्विस करी हो, इसने आर्मी में सर्विस करी हो, है ना. तो वो कह रहा है कि इस ऐसे जो पहले आर्मी में जिसने सर्विस करी है उसके घर पर जाके ठहरना. दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प, है ना. इस विचार ने उस ट्रैम्प को ज़्यादा खुश नहीं किया, अर्थात ये विचार उस ट्रैम्प को पसंद नहीं आया. नो आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट. नहीं, मैं इसके बारे में नहीं सोच सकता. ही सैड, उसने कहा, लुकिंग क्वाइट अलार्म, थोड़ा सा सचेत होते हुए. ही थॉट ऑफ द 30 kroner. उसने 30 kroner के बारे में सोचा. टू गो अप टू द मैनर हाउस, अगर वो वहाँ उस बड़े घर में जाएगा, वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ, तो एक तरह से ये उस अपने आप को वहाँ फेंकने जैसा होगा. वॉलेंटरली, स्वेच्छापूर्वक, इन टू द लायंस डेन, शेर की गुफा में. अगर वो वहाँ पे जाएगा उस बड़े मकान पर, तो अपने आप को शेर की गुफा में फेंकने के जैसा होगा. ही ओनली वांटेड ए चांस टू स्लीप हेयर. वो तो बस खाली यहाँ पे एक सोने के चांस चाहता था, सोना चाहता था. इन द फोर्ज, उस आयरन मिल में. एंड देन स्नीक अवे, और फिर यहाँ से खिसकना चाहता था. एज इनकॉन्स्पिशियसली एज पॉसिबल, बिना नोटिस किए हुए, जितना संभव हो सके, बिना नोटिस कराए जितना संभव हो सके वो यहाँ से निकलना चाहता था. द आयरन मास्टर अश्योर्ड दैट. आयरन मास्टर ने उसे ये भरोसा दिलाया. ही फेल्ट एम्प्रेस्ड. अच्छा, अज्यूम्ड दैट, है ना. आयरन मास्टर ने ऐसा सोचा कि वह थोड़ा सा एम्प्रेस फील कर रहा है अपने आप को, बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोदिंग, क्योंकि उसने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, बड़े बेकार, बड़े टूटे फूटे फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं. तो हो सकता है शायद ये अपने आप को थोड़ा सा शर्मिंदगी, है ना, महसूस कर रहा है. प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच ए फाइन होम. अब वो कह रहा है आयरन मास्टर के, ऐसा मत सोचो कि मेरे पास एक बहुत ही सुंदर घर है. दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, कि तुम वहाँ अपने आप को एडजस्ट ना कर सको. ही सैड, उसने कहा, एलिजाबेथ इज डेड. एलिजाबेथ की मृत्यु हो चुकी है, उनकी पत्नी थी ये. एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, जैसा कि तुमने पहले ही सुना होगा. माई बॉयज आर अब्रोड, मेरे जो बेटे हैं वो दूसरे देशों में रहते हैं. एंड देयर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर, और घर पर कोई नहीं है सिवाय मेरी बड़ी बेटी के. एंड माई सेल्फ, और मेरे अलावा, मेरी बड़ी बेटी और मेरे अलावा वहाँ पर कोई नहीं है. वी वर जस्ट सेइंग दैट, हम तो बस ये कह रहे हैं, इट वॉज टू बैड वी डिड नॉट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, कि इस क्रिसमस हमारे लिए कोई कंपनी ना होगी, कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है. नाउ कम अलॉन्ग विद मी, चलो मेरे साथ चलो. एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपीयर ए लिटिल फास्टर, है ना, और आओ हमारे साथ चलो, और हमारा जो क्रिसमस का भोजन है उसको जल्दी से फिनिश कराने में हमारी मदद करो. बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड नो एंड अगेन नो. एंड द आयरन मास्टर सो दैट ही मस्ट गिव इन.
स्ट्रेंजर ने कहा, नहीं 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 मैं नहीं जा सकता। और आयरन मास्टर ने देखा कि अब उसे छोड़ देना चाहिए। इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टेहल प्रेफर टू स्टे विद यू टू नाइट, सेजर स्टॉर्म ही सेड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड टर्नड ऑन हिज फीट। है ना, अब ये सेजर स्टॉर्म कौन है, वो जो मास्टर ब्लैक स्मिथ था उसके वो है। तो अब ये आयरन मास्टर कह रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि आज कैप्टन वॉन स्टेहल आपके साथ ठहरना ज़्यादा, आज रात्रि आपके साथ बिताना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं बजाय मेरे घर चलने के। और वह मुड़ गया, अपने पैरों पर चल दिया, अर्थात वो मुड़कर अपने घर की ओर चल दिया। बट ही लॉफ टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे, लेकिन जब वो चला गया तो वह हंसा। एंड द ब्लैक स्मिथ, और जो ब्लैक स्मिथ था वो, हु न्यू हिम, जो कि उन्हें जानता था, अपने आयरन मास्टर को जानता था, अंडरस्टूड वेरी वेल, वह बहुत अच्छी तरह जानता था, समझ गया था वो, दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, कि अभी उसने अपनी अंतिम कोशिश पूरी नहीं की है, अर्थात अभी वो और कुछ भी करेंगे। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ ए कैरेज, आधा भी घंटा नहीं बीता था, आधा घंटा से भी ज़्यादा समय नहीं हुआ था कि उन्होंने सुनी साउंड ऑफ कैरेज व्हील्स, है ना, एक गाड़ी के पहियों की आवाज़ सुनी, आउटसाइड द फोर्ज, आयरन मिल के बाहर। एंड ए न्यू गेस्ट केम इन, और एक नया अतिथि अंदर आया, बट दिस टाइम, लेकिन इस बार, इज वॉट इज इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, लेकिन इस बार आयरन मास्टर नहीं थे। He had sent his daughter, उसने अपनी बेटी को भेज दिया था, apparently hoping, clearly यह आशा करते हुए, that she would have better powers of persuasion than he himself, कि अपनी बेटी के पास किसी व्यक्ति को मनाने की ज़्यादा शक्तियाँ हैं बजाय उसके। She entered, उसने प्रवेश किया, followed by a valet, valet बोलते हैं मैन सर्वेंट को, है ना, मैन सर्वेंट होता है ना, एक पुरुष नौकर, कैरियंग ऑन हिज आर्म, जिसने अपनी एक भुजा में, बाह में ले रखा था, एक बिग फर कोट, एक बड़ा फर का कोट ले रखा था, रोएदार कोट ले रखा था। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी, वो बहुत ज़्यादा प्रिटी नहीं थी। प्रिटी का मतलब क्या है, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, तो वो प्रिटी लगता है देखने में, है ना, कोमल लगता है ना, मासूम लगता है, वो मासूम तो नहीं थी, बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट साई, लेकिन बड़ी हम्बल लग रही थी, विनम्र लग रही थी, है ना, और थोड़ी सी शर्मीली भी प्रतीत हो रही थी। इन द फोर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, फोर्ज में बाकी सब चीज़ें वैसी थी जैसे कि पिछली शाम थी, है ना, शाम को थी। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस, जो मास्टर ब्लैक स्मिथ थे और उनका जो अप्रेंटिस था, वो स्टिल सेट ऑन देयर बेंच, अभी भी अपनी बेंच पर बैठे हुए थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस, और भट्टी के अंदर लोहा और कोयला अभी भी चमक रहे थे, जल रहे थे। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेस्ड हिमसेल्फ, जो स्ट्रेंजर था, वो जो रैट ट्रैपर था, उसने अपने आप को फैला रखा था, टांग फैला के सो रहा था आराम से, आउट ऑन द फ्लोर, फर्श पर, एंड ले विद ए पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड, और अपने सिर के नीचे उसने तकिया किसका बना रखा था, एक पिग आयरन, कच्चे लोहे का एक टुकड़ा, वो रख रखा था अपने सिर के नीचे। एंड हिज हेड पुल डाउन ओवर हिज आईज, और अपनी आंखों पर उसने अपनी एक टोपी थी वो ढक रखी थी। As soon as the young girl caught sight of him, जैसे ही उस लड़की को वो दिखाई दिया, she went up, वह उसके पास गई, and lifted his hat, और उसने उसका हैट उठा लिया। The man was evidently used to sleeping with one eye open, है ना, वो जो व्यक्ति था वो स्पष्ट रूप से, evidently स्पष्ट रूप से, one eye open सोता था, one eye open मतलब बड़े चौकन्ना होके सोता था, है ना, कि इस तरह के जो लोग होते हैं वो, क्योंकि उनका घर तो होता नहीं है, तो वो उनके इस तरह की चीज़ों के आदि हो जाते हैं, वो चौंकन्ना होके सोता था। एक आंख खोल के सोने का मतलब क्या, चौंकन्ना होके सोना। ही जंप्ड अप एब्रप्टली, वो एकदम से उठ खड़ा हुआ, एंड सीम टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो भयभीत हो गया। माई नेम इज एडला विल्मेंशन, मेरा नाम एडला विल्मेंशन है, सेड द यंगर, उस लड़की ने कहा। माई फादर केम होम, मेरे पिता घर आए थे, एंड सेड, और उन्होंने कहा, दैट यू वॉन्टेड टू स्लीप हेयर, कि आप यहाँ सोना चाहते हैं, इन द फोर्ज, आयरन मिल में आज रात। एंड देन आई आस्क्ड परमिशन, तो मैंने उनसे परमिशन मांगी टू कम, कि मैं यहाँ आऊँ एंड ब्रिंग यू होम टू अस, और आपको हमारे घर ले चलूँ। आई एम सो सॉरी, मैं बहुत सॉरी हूँ कैप्टन, दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम, कि आपको ऐसा
कठिन समय व्यतीत करना पड़ रहा है। सी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली, वह उसकी ओर बड़े कंपैशन से देखी, करुणा के भाव से देखी, दया के भाव से उसने उसकी ओर देखा। उस लड़की ने विद हर हैवी आईज, अपनी भारी आंखों के साथ, नम आंखों के साथ, एंड देन सी नोटिस्ड, और तब उसने नोटिस किया दैट द मैन वाज अफ्रेड, कि वो व्यक्ति भयभीत है, कि वो आदमी कैसा है, भयभीत है, पता चल जाता है। Either he has stolen something, या तो उसने कोई चीज़ चुराई है, और else he has escaped from jail, या वो कहाँ से भागा है, जेल से भागा, ऐसा डरावना वो प्रतीत हो रहा था। She thought, उसने सोचा, and add quickly, और वो बोली, you may be sure captain, captain आप निश्चिंत रहो, that you will be allowed to leave us just as freely as you came, जिस तरह से तुम, जिस स्वतंत्रता पूर्वक तुम हमारे यहाँ जाओगे, उसी स्वतंत्रता पूर्वक तुम हमारे यहाँ से जब चाहो जब आ सकते हो। Only please stay with us over Christmas Eve, कृपया आप हमारे साथ इस क्रिसमस के मौके पर एक दिन रुक जाइए। She said this in such a friendly manner, उस लड़की ने इतनी मित्रता के भाव से कहा, that the rat trap peddler, कि वो जो rat trap बेचने वाला था, must have felt confidence in her, उसे उसमें क्या आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया, विश्वास हो गया उसे उस पर। It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss, he said, उसने कहा कि ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ कि कोई मेरे लिए इतना परेशान होगा, मिस, जितना कि आप हुई हो, उसने कहा। आई विल कम एट वंस, मैं अभी आपके साथ चलता हूँ। He accepted the fur coat, उसने फर का कोट स्वीकार कर लिया, which the valet handed him with a deep bow, जिसे कि उस मैन सर्वेंट ने गहरे नीचे की ओर झुकते हुए अभिवादन करते हुए उसे दे दिया। तो उस रैट ट्रैप सेलर ने थ्रू इट ओवर हिज रैग्स, उसने अपने उस फटे टूटे कपड़ों के ऊपर उसे पहन लिया, एंड फॉलोड द यंग लेडी, और उस लड़की के पीछे चल दिया, आउट टू कैरिज, कैरिज तक, गाड़ी की तरफ, विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिस्ड ब्लैक स्मिथ सो मच एट ए ग्लांस, है ना। अब वो जो ब्लैक स्मिथ था और उसका जो अप्रेंटिस था, उसका जो हेल्पर था, वो बड़े उससे देख रहे थे उसको, है ना, आश्चर्य से देख रहे थे, तो उसने उनकी तरफ एक झलक भी नहीं दी, ग्लांस यानी झलक। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप द मैनर हाउस, लेकिन जब वो मैनर हाउस की तरफ जा रहा था, ही हैड ईविल फोरबोडिंग्स, उसे थोड़ा सा अपशकुन जैसे हो रहे थे। वाई द डेविल डिड आई टेक द फेलोज मनी, अब वो अपने आप को कोस रहा है, मैंने उस भले आदमी का ये पैसा क्यों चुराया, किस शैतान ने मेरी मती फेर दी थी। ही थॉट, उसने सोचा, नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप, अब मैं एक तरह से इस जाल में फंस गया हूँ, एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और मैं इससे शायद कभी नहीं निकल पाऊंगा। पहले मैं फॉरेस्ट में फंसा, अब इनके महल में फंसने जा रहा हूँ। द नेक्स्ट डे वाज क्रिसमस ईव, अगले दिन क्रिसमस ई क्रिसमस था। एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट, और जब सुबह, है ना, सुबह के टाइम जब आयरन मास्टर नाश्ते के लिए आए, ही प्रोबेबली थॉट विद सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड हु हैड रन अक्रॉस सो अनएक्सपेक्टेडली, है ना, तो शायद वो यही सोच रहे थे और उन्हें बड़ा संतोष था कि उनका एक पुराना रेजिमेंट का दोस्त, होम ही हैड रन अक्रॉस सो अनएक्सपेक्टेडली, जिसका कि उससे आज ऐसे ही अचानक से ही जिससे मुलाकात हो गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स ए लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, He said to his daughter, उसने अपनी बेटी से कहा कि पहले तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा, इसको इतना खाना पीना अच्छी तरह से खिलाना पड़ेगा कि इसकी हड्डियों पे कुछ मांस चढ़ जाए, थोड़ा सा ये हेल्दी हो जाए। Who was busy at the table, अपनी बेटी से कहा, जो कि टेबल पे क्या थी, व्यस्त थी खाने पीने की सामान बनाने के लिए, जमाने के लिए। And then we must see, और तब हमें देखना होगा, he get something else to do than run around the country selling rat traps, और फिर हमें इसे कुछ और दूसरा धंधा ढूंढना पड़ेगा जिससे इसे इस rat trap बेचने के कार्य से क्या मिले, मुक्ति मिले। It is queer that things have gone downhill with him, ये बड़ी विचित्र बात है, strange है, कि चीज़ें उसके प्रति क्या हुई हैं, बड़ी विपरीत अवस्था में हो गई हैं। As badly as that, सैड द डॉटर, बेटी ने कहा कि देखो ये भविष्य भाग्य का खेल है कि इनके साथ कितना बड़ा बुरा हुआ है। लास्ट नाइट, है ना, आई डिड नॉट थिंक देयर वॉज एनी थिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन, लेकिन वो उस लड़की को थोड़ा सा शक है उसके ऊपर, है ना, तो वो कह रही है कि पिछली रात, बीती रात, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा इस व्यक्ति के अंदर कि ये एक एजुकेटेड मैन है।
यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, है ना। अब वो थोड़ा सा शक उसके ऊपर दर्शा रही है उसकी बेटी, तो वो कह रहा है बेटी तुम्हें थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, मेरी प्यारी बेटी तुम्हें थोड़ा पेशेंस रखो। बेटे फादर ने कहा एज सून एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप, जैसे ये साफ सुथरा हो गया नहा धो के कपड़े पहन लेगा, यू विल सी, तुम देखोगी समथिंग डिफरेंट, बिल्कुल ये अलग दिखेगा। फिर लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बरेस्ड, पिछली रात वो वास्तव में क्या था, भयभीत था, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो रहा था। द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लोथ्स, है ना। इसके जो ये भगोड़े आदतें हैं, इसकी जो भगोड़ी आदतें हैं, इसकी जो उठाई गिरेपन की जो आदतें हैं, ये इसके फटे टूटे कपड़ों के साथ ही, जब इन फटे टूटे कपड़ों को त्याग के नए कपड़े पहनेगा, तो उसी तरह से इसकी जो ट्रैम्प मैनर्स हैं ये भी इसके साथ छूट जाएंगे। जस्ट एज ही सैड दिस, जैसे ही उसने ये कहा, डोर ओपन, दरवाजा खुला, एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड, और वो रैट ट्रैप सेलर अजनबी व्यक्ति प्रविष्ट किया। यस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड, हाँ अब वो बिल्कुल साफ सुथरा और वेल ड्रेस्ड था। द वैलेट हैड पाथ्ड हिम, मैन सर्वेंट ने उसे नहला दिया था, उसके बाल काट दिए थे, उसकी दाढ़ी बना दी थी। मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ्स विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर, और यहाँ तक कि उसने अब आयरन मास्टर के कपड़े पहन लिए थे। ही वोर ए वाइट शर्ट, उसने एक सफ़ेद शर्ट पहनी थी, एंड ए स्टार्च्ड कॉलर, और एक स्टार्च की कॉलर पहन ली थी, है ना, एंड होल शूज, और उसने पूरे जूते भी पहन लिए थे। स्टार्च्ड कॉलर कोई हो सकता है ये, जैसे वो होते हैं ना, क्या नाम है, दुपट्टा टाइप, जैसे गले में डालने का, ऐसे समझ लो आप, है ना, मफलर जैसे वो। बट ऑल्दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, यद्यपि जो उनका जो गेस्ट था, वो जो आयरन क्या नाम रेड ट्रैप सेलर था, वो वेल ड्रेस्ड हो गया था, वेल ग्रूम्ड हो गया था, अच्छा दिखने लग गया था, सुंदर दिखने लग गया था, द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड, लेकिन उसे देख के आयरन मास्टर प्रसन्न नहीं थे। ही लुक्ड एट हिम विद पकर्ड ब्रो, उसने उसकी, आयरन मास्टर ने उसकी ओर गहरी मुद्रा से देखा, गहन आंखों से देखा, जैसे त्योरी चढ़ा के, भौहें चढ़ा के देखा, आंखें तरेड़ के उसकी ओर देखा, बड़े ध्यानपूर्वक देखा। एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड, और अब समझना बहुत आसान था, दैट वेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो, कि जब उसने इस विचित्र व्यक्ति को देखा था, इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस, है ना, भट्टी की जलती हुई आग में जो परछाई पड़ रही थी, है ना, प्रकाश की जो परछाई, प्रकाश पड़ रहा था अलग तरह का, लाल रंग का, उसमें उसने उसे क्या कर लिया था, गलत समझ लिया था। ही माइट हैव मेड ए मिस्टेक, उसने क्या कर दी थी, गलती कर दी थी, है ना, यानी वो उस फर्नेस के प्रकाश में, भट्टी के प्रकाश में उसे अच्छी तरह से समझ नहीं पाया था। बट दैट नाउ, लेकिन अब, वेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डेलाइट, जब वो बिल्कुल इस दिन की रोशनी में खड़ा हुआ है, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस, अब उसे पुरानी परिचित, अपना पुराना परिचित हो, परिचित है ये मेरा, यह समझने में अब उसे मिस्टेक नहीं हो रही थी कि ये मेरा कोई पूर्व परिचित नहीं है। वॉट डज दिस मीन, ही थंडर्ड, वह चिल्लाया, ये क्या किया तुमने, ये क्या मतलब है। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिम्यूलेट, है ना, डिसिम्यूलेट का मतलब होता है छिपाना, उसने कहा कि बस अब तो पकड़े गए, है ना, अब छिपाने से कोई मतलब नहीं है, सच सच बता देने में ही भलाई है। He saw at once that the splendor had come to an end. उसने देखा कि जो भी ये राजपाट था, जो सानो सौकत थी, बस ये खत्म हो गई, इतनी ही देर की थी बस खाली। It is not my fault, sir. श्रीमान, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, उसने कहा। I never pretended to be anything but a poor trader. मैंने कुछ बनने की कोशिश नहीं की थी, मैं तो poor, एक बेचारा बेचने वाला ही तो था, रेड ट्रैप बेचने वाला था। एंड आई प्लीडेड, और मैंने तो तुमको प्रार्थना भी की थी, एंड बैग्ड, और तुमसे भीख मांगी थी, तुमसे कहा था, मैंने खूब हाथ जोड़ के कहा था, टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ज, कि मुझे यहीं फोर्ज में ही रहने दो, आयरन मिल में ही रहने दो, तुम्ही ने मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पे खींच के लाए हो। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन कोई बड़ा नुकसान मैंने नहीं किया है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। एट वर्स्ट I can put on my rags again and go away. ज़्यादा से ज़्यादा मैं पुराने अपने, अभी ये तुमने जो कपड़े दिए इनको उतार देता हूँ, अपने पुराने कपड़े पहन लेता हूँ और यहाँ से चला जाता हूँ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। Well, said the iron master, hesitating a little, थोड़ा सा हिचकते हुए आयरन मास्टर ने कहा,
इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट, तुमने ईमानदारी नहीं की, है ना, तुम ऑनेस्ट नहीं थे, तुम्हें मना करना चाहिए था कि मैं नहीं हूँ, तुमने हाँ क्यों करी कि हाँ मेरे बुरे दिन थे इसलिए मैं ऐसा हो गया हूँ, तुम्हें भी, है ना, इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट इधर, यानी तुमने जैसा व्यवहार किया वो ऑनेस्ट नहीं था, यू मस्ट एडमिट दैट, तुम्हें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए था, एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज, और मुझे अब आश्चर्य नहीं होगा इफ़ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन दिस मैटर। अब शेरिफ कौन होता है, जैसे जज होता है ना, जज का मतलब जो एक ऐसा व्यक्ति जो कोई गलत लोगों को दंड देता है, न्यायाधिकारी, है ना, तो अब वो कह रहा कि मैं अब तुमको उस न्यायालय में पकड़वा दूंगा और वहाँ पे पुलिस को पकड़वा दूंगा और वो तुमको दंड इस बात का देंगे, जो भी कुछ डिसाइड करना है अब वो करेंगे। द ट्रैम्प टुक ए स्टेप फॉरवर्ड, है ना, उस रेड ट्रैप सेलर ने एक कदम आगे बढ़ाया, एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट, और टेबल पर जोर से मुक्का मारा अपनी हथेली से, ना जैसे ऐसे करते हैं ना, यूं ऐसे करते हैं, ऐसे जोर से मारा उसने। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर, मिस्टर आयरन मास्टर, अब मैं कुछ कहने जा रहा हूँ आपको, हाउ थिंग्स आर, कि चीज़ें देखो हैं कैसी, ही सेड, उसने कहा, दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट ए बिग रेड ट्रैप, ये पूरा संसार जो है ये कुछ नहीं है, बस एक क्या है, चूहेदानी है, बड़ी चूहेदानी है ये। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज रेंट्स एंड बिट्स ऑफ पोर्क, ये सब चीज़ें जो ये संसार तुम्हें ललचाने के लिए दे रहा है ये और कुछ नहीं है, बस ये चीज के टुकड़े हैं, मांस के, सुअर के मांस के टुकड़े हैं, सेट आउट टू ड्रैग ए पुअर फेलो, और ये एक बेचारे गरीब आदमी को जाल में फंसाने के लिए हैं, इनटू ट्रबल, परेशानी में फंसाने के लिए हैं एक बेचारे गरीब ट्रैप, उसको रेड ट्रैप सेलर को। एंड इफ द शेरिफ कम्स नाउ, और अब अगर जज आ भी जाता है एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, और मुझे लॉकअप में बंद कर देता है इस काम के लिए, देन यू, तो लेकिन उस समय तुम मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर, याद रखना चाहिए तुम्हें, दैट ए डे मे कम, एक दिन आएगा वेन यू योर सेल्फ मे वॉन्ट टू गेट ए बिग पीस ऑफ पोर्क, कि तुम एक समय आएगा जब तुमको बड़ा सुअर के मांस का टुकड़ा चाहिएगा, अर्थात तुम भी एक बड़े लालच में फंस जाओगे, एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप, और तुम भी एक जाल के अंदर फंस जाओगे। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ, आयरन मास्टर हंसने लगा, दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड, हाँ तुमने कोई गलत बात तो नहीं कही, बात तो तुमने ठीक ही कही है माई गुड फेलो, परहैप्स शायद वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव, ठीक है ना, क्रिसमस के मौके पे हम शेरिफ को ज़्यादा तंग नहीं करते हैं, उसको अकेला ही रहने देते हैं, उसको हम तंग नहीं करते हैं, बट नाउ यू गेट आउट हेयर एट फास्ट एज यू कैन, लेकिन तुम अब भी निकल जाओ यहाँ से, जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से निकल जाओ। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति बाहर जाने के लिए दरवाज़ा खोल रहा था, द डॉटर सैड, उसकी बेटी बोली आयरन मास्टर की, आई थिंक ही ऑट टू स्टे विद अस टूडे, मैं सोचती हूँ कि आज उसे रुक जाना चाहिए हमारे साथ, आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो, मैं उसे नहीं जाने देना चाहती, एंड विद दैट, और ऐसा कहते हुए सी वेंट एंड क्लोज द डोर, वह दरवाजे के पास गई और उसने दरवाजा बंद कर दिया। वॉट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, सैड द फादर, फादर बोले ये तुम क्या नासमझी कर रही हो। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्ब्रेस्ड, बेटी वहां पर थोड़ी सी शंका में, थोड़ी सी सहमी हुई, है ना, थोड़ी सी भयभीत होके खड़ी हो गई, एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर, उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं। दैट मॉर्निंग सी हैड फेल्ट सो हैप्पी, उस सुबह वो इतनी खुश थी, व्हेन सी थॉट, जब वो सोच रही थी हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी सी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रैच, कि घर जैसी चीज़ें बना के खिलाएगी, क्रिसमसी चीज़ें, क्रिसमस के त्यौहार पर बनाई जाने वाली चीज़ें वो इस बेचारे भूखे व्यक्ति को बना के खिलाना चाहेगी, तो उसे कितनी खुशी होगी, ऐसा वो सोच रही थी। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, अब उसने इतनी सारी प्लानिंग करी थी और वो उस अपनी इस प्लानिंग को इतनी जल्दी, है ना, यूं ही एक झटके के साथ टूट देना जाना नहीं चाहती थी कि अपनी सारी की सारी प्लानिंग क्या हो जाए, खराब हो जाए मेरी। एंड दैट वॉज वाई, और यही कारण था, सी हैड इंटरसीडेड, उसने इंटरसीड किया था फॉर द वागाबॉन्ड, है ना, उस घुमक्कड़ आदमी के लिए, उस खानाबदोश आदमी के लिए उसने इंटरसीड किया था। इंटरसीड का मतलब क्या होता है, हस्तक्षेप करना, है ना, अपने पापा की बात को उसने काटा था उसके लिए।
आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हेयर, मैं यहाँ इस स्ट्रेंजर के लिए सोच रही हूँ, मैं यहाँ इस स्ट्रेंजर के बारे में बातें सोच रही हूँ, सेड द यंग गर्ल, लड़की बोली। हर ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग, ये तो बेचारा पूरी साल भर इधर से उधर भटकता रहता है। एंड देयर इज प्रोबेबली नॉट ए सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री, और शायद इस पूरे शहर में, पूरे गांव में कोई एक ऐसी जगह नहीं है वेयर ही इज वेलकम, जहां उसका स्वागत किया जाए, एंड ही कैन फील एट होम, है ना, जहां पर वो घर जैसा महसूस करे। हर व्यक्ति इसे दुत्कारता है। वेयर एवर ही रन्स टर्न्स, जहां पर भी वो जाता है, ही इज चेज्ड अवे, उसे भगा दिया जाता है, दुत्कार दिया जाता है। ऑलवेज ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड, वो हमेशा या तो गिरफ्तार होने के डर से भयभीत रहता है, एंड क्रॉस एग्जामिन्ड, या इस बात से भयभीत रहता है कि कोई उसे क्या करेगा, क्रॉस एग्जामिन करेगा, उससे भांति भांति के शक से उसे प्रश्न पूछेगा, शक करेगा उसके ऊपर। आई शुड लाइक टू हैव हिम एन्जॉय ए डे ऑफ पीस विद अस हेयर, मैं चाहती हूँ कि ये कम से कम एक दिन तो, है ना, शांति के साथ एन्जॉय करे। जस्ट वन इन द होल ईयर, मात्र बस वर्ष में एक दिन, क्रिसमस का दिन है आज, इस कम से कम ये आज तो एक दिन वर्ष में अपने शांति से एक दिन को एंजॉय करे, मैं बस इतना चाहती हूँ। द आयरन मास्टर मंबल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड, आयरन मास्टर अपनी दाढ़ी के अंदर कुछ बुदबुदाया, है ना, कुछ बोला, लेकिन ऐसा लग रहा था कि सिर्फ उसकी दाढ़ी हिल रही है। He could not bring himself to oppose her. वो अब अपनी उस बेटी का विरोध नहीं कर पा रहा था, अर्थात उसने मूक स्वीकृति दे दी थी। It was all a mistake, of course. She continued. वह जारी रखती है, उसकी बेटी कहती है कि हाँ मैं मानती हूँ यह एक गलती हुई है, But anyway, I don't think we ought to chase away a human. मैं नहीं चाहती कि हम एक मानव को दुत्कार के भगा दें। Being whom we have asked to come here, है ना, जबकि हमने ही उसे यहाँ बुलाया हो, and to whom we have promised Christmas cheer, और जिससे हमने खुद नहीं आगे चला के क्रिसमस की चीयर करने का हमने उससे वादा किया था, क्रिसमस को एंजॉय करने का हमने ही वादा किया था, जिससे खुद नहीं वादा किया, और उसी व्यक्ति को दुत्कार देना मैं उचित नहीं समझती हूँ। You do preach worse than a parson. Parson होता है जो इनका वो होता है पोप, पादरी जो होता है चर्च में जो रहता है, तो वो कह रहा है तुम तो जो चर्च का पुजारी होता है ना उससे भी तगड़े वाले लेक्चर सुनाती हो, तुमसे कोई जीत नहीं सकता है, अपनी बेटी को वो कह रहा है। Said the iron master, I only hope you won't have to regret this. मैं तो बस इतना आशा करता हूँ कि तुम्हें अपने इस निर्णय पर पछताना न पड़े। Regret यानी पछताना। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड, उस लड़की ने उस अजनबी को अपने उसके हाथ से पकड़ा, एंड लेड हिम अप टू द टेबल, और उसे टेबल पर ले आई भोजन कराने के लिए। नाउ सिट डाउन एंड ईट, अब बैठ जाओ और भोजन करो, सी सेड, उसने कहा। एंड शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन, और उसने देखा कि उसके फादर जो हैं उन्होंने हार मान ली है, अर्थात उसके फादर ने स्वीकृति दे दी है। द मैन विद द रेड ट्रैप्स सेड नॉट ए वर्ड, है ना, वो व्यक्ति जिस जो रेड ट्रैप सेलर था उसने एक शब्द नहीं बोला। ही ओनली सेट डाउन, वो बस बैठ गया, एंड हेल्प हिमसेल्फ टू फूड, और बस वो भोजन खाने पर कंसंट्रेट कर रहा है। टाइम आफ्टर टाइम, बीच बीच में ही लुक्ड एट द यंग गर्ल, वो किसकी ओर देखता है, उस लड़की की ओर देखता है। हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम, जिसने कि उसके लिए इतनी बड़ी रिस्क मोल ली है, है ना, अपने फादर से भी जो लड़ बैठी है, हस्तक्षेप जिसने किया है, इंटरसीड यानी हस्तक्षेप करना। वाई हैड सी डन इट, उसने ऐसा क्यों किया है, वॉट कुड द क्रेजी आइडिया बी, इसके पीछे इसका कोई क्या आइडिया हो सकता है, है ना, तो अब चूंकि वो व्यक्ति ऐसा ही है, चोरी भी करता है ना, तो ऑनेस्ट तो है नहीं वो, तो वो कह रहा है कहीं ये कोई और कोई इसका कोई शातिर कोई इरादा तो नहीं है, ऐसा वो सोच रहा है। आफ्टर दैट, उसके बाद क्रिसमस ईव, आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एट रैम्सो पास्ट जस्ट एज इट ऑलवेज हैड, उसके बाद रैम्सो जो आयरन मिल थी वहाँ की जो क्रिसमस की संध्या थी, क्रिसमस की संध्या नहीं, इवनिंग नहीं, क्रिसमस का जो मौका था, ईव यानी मौका, पर्व,
वो गुजर गया जैसा कि पिछले सालों में गुजरा था। एज यूजुअल द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल, स्ट्रेंजर ने कोई परेशानी पैदा नहीं की। बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप, क्योंकि वो कुछ नहीं चाहता था, बस खाना मिल जाए और सोना मिल जाए। द होल फोरनून, पूरे के पूरे दोपहर से पहले के टाइम, ही ले ऑन द सोफा, वह सोफे पे सोता रहा, ब्रेकफास्ट करके सोफे पे सोता रहा दोपहर तक। इन वन ऑफ द गेस्ट रूम्स, एक गेस्ट रूम के अंदर, एंड स्लेप्ट एट वन एच वन स्ट्रेच, और पू एक ही स्ट्रेच में सोता रहा। इसी की स्ट्रेच का मतलब होता है बीच में जगह ही नहीं, सोता ही रहा। एट नून, दोपहर में, दे वोक हिम अप, उन्होंने उसे जगाया, सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर, है ना, दोपहर में उसे जगाया कि वो भी क्रिसमस का स्वीट्स का आनंद ले सके। फेयर का मतलब क्या होता है, रेंज ऑफ फूड, विशेष प्रकार के जो पकवान हैं उनका वो आनंद ले सके। बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, लेकिन खा के दोपहर का भोजन वो फिर सो गया। इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत होता था, एज दो फॉर मैनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप, कि कई वर्षों से वो ढंग से सोया भी नहीं है। एज क्वाइटली एंड सेफली एज हेयर एट रैम्सो, इतना स्वच्छ, इतना शांति से और इतना सुरक्षित रूप से जैसा कि यहाँ रैम्सो में वो सो रहा है। इन द इवनिंग, शाम को, वेन द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड, जब क्रिसमस ट्री को रोशनी कर दी गई, उसके ऊपर बत्तियाँ जला दी गईं, दे वोक हिम अप अगेन, उन्होंने उसे पुनः उठाया, एंड ही स्टूड फॉर ए वाइल इन द ड्रॉइंग रूम, और वो ड्रॉइंग रूम में थोड़ी देर के लिए आके खड़ा हो गया। ब्लिंकिंग, अपनी आँखें मिचमिचाने लगा, आँखें जो हैं उनको बंद खोलने लगा। एज दो, मानो कि द कैंडल लाइट हर्ट हिम, मानो कि ये जो कैंडल की लाइट जल रही थी, है ना, मोमबत्तियों की जो लाइट थी वो उसकी आंखों को क्या कर रही हो, परेशानी दे रही हो, ऐसा करने लगा, आंखों को झपझपाने लगा। बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन, है ना, बस थोड़ी देर के लिए वहां खड़ा रहा, फिर वापस गायब हो गया। कहाँ गायब हो गया, सो गया जाके। 2 hours लेटर, 2 घंटे बाद, ही वॉज अराउज्ड वंस मोर, उसे एक बार फिर उठाया गया। He then had to go down into the dining room, है ना, फिर उसे, अब हो सकता है कहाँ जाके सो गया, ऊपर जाके सो गया है, ऊपर के मकान, ऊपर के कमरों में, फिर उसे नीचे डाइनिंग रूम में बुलाया गया। एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पोरिस, और उसे क्रिसमस फिश और पोरिस दी गई। अब देखो पोरिस का मतलब वही समझ लो आप, पकवान समझ लो, है ना, ये चीज़ें उसे दी गई। As soon as they got up from the table, जब वो टेबल से खड़े हुए, he went around to each one, वह दोनों के पास गया, and said thank you and good night, और उनको thank you और good night उसने बोला। But when he came to the young girl, लेकिन जब वो उस लड़की के पास पहुँचा, she gave him to understand that, उस लड़की ने उससे कहा, इट वॉज हर फादर्स इंटेंशन, कि अपने, कि उसके पापा की ये इच्छा है, दैट द सूट विच ही वोर, कि जो सूट आपने पहन रखा है, टू बी ए क्रिसमस प्रेजेंट, ये आपके लिए क्रिसमस का गिफ्ट है मेरे पापा की तरफ से। ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, आपको इसे लौटाना नहीं है। एंड इफ ही वॉन्टेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस, और अगर आप अगली क्रिसमस भी हमारे साथ बिताना चाहते हो, तो इन प्लेस वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस, है ना, अगर तुम अगली क्रिसमस जो ईव है, क्रिसमस का जो पर्व है वो मनाना चाहते हो, उस स्थान पर जहाँ पर तुम आराम कर सको, एंड बी श्योर दैट, और तुम आश्वस्त रह सको कि नो ईविल वुड बिफॉल हिम, कि तुम कोई गलत काम नहीं करोगे, तुम्हारे कोई भावना तुम्हारी गलत नहीं होगी, तो तुम यहाँ आ सकते हो। ही वुड बी वेलकम्ड बैक अगेन, तो तुम्हारा पुनः स्वागत किया जाएगा। अगर तुम चाहते हो कि अगले वर्ष भी तुम हमारे साथ शांति से एंजॉय करो क्रिसमस ईव को, तो तुम यहाँ आ सकते हो। बस ये है कि तुम्हारे मन में किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। द मैन विद द रेड ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनी थिंग टू दिस, उस रेड ट्रैप सेलर ने इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया। ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल, वह उस लड़की की ओर बस देखता रहा, इन बाउंडलेस अमेजमेंट, विशिष्ट प्रकार के अमेजमेंट से, बड़े आश्चर्य से उसकी ओर देख रहा है कि यार ये लड़की है या क्या है, है ना, ऐसी काइंड लड़की, इतनी जेनरस, इतनी प्यारी तो मैंने आज तक अपनी जीवन में नहीं देखी। द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर, अगली सुबह आयरन मास्टर और उनकी बेटी गॉट अप इन गुड सीजन, अच्छे मूड में उठे।
टू गो टू अर्ली क्रिसमस सर्विस, उन्हें अगले दिन क्रिसमस की सेवा के लिए जाना था। अगले दिन हो सकता है कुछ ऐसा काम करते होंगे, सेवा का कोई काम क्रिसमस से अगले दिन। देयर गेस्ट वाज स्टिल अस्लीप, उनका गेस्ट अभी भी सोया हुआ था। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, और उन्होंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। When at about 10 o'clock, जब 10 बजे के करीब, they drove back from the church, जब वो चर्च से वापस लौट रहे थे, the young girl sat and hung her head, young girl जो वो लड़की थी वो पीछे सीट पे बैठ गई और उसका सिर लटका लिया, उसने अपना सिर लटका लिया, अर्थात उदास बैठ गई वो। hung her head का मतलब क्या है? उदास होके सिर लटका के बैठ जाना। Even more dejectedly than usual, और वो आज क्या थी? अन्य दिनों से ज़्यादा दुखी थी। Dejectedly, dejected का मतलब होता है बहुत ज़्यादा परेशान, उदास, चिंतित थी वो। At church, अब वो क्यों थी? At church, चर्च में, she had learned, उसे पता चला था that one of the old crofters of the iron works had been robbed by a man who went around selling rat traps. चर्च में उस लड़की को पता चला था कि उनकी जो रैमसो आयरन वर्क्स है, इसका एक पुराना क्रॉफ्टर है ना, पुराना जो कर्मचारी है, उसको किसी एक ऐसे व्यक्ति ने लूट लिया है जो कि क्या बेच रहा था? चूहेदानियाँ बेच रहा था। तो उसे बहुत दुख हुआ उस लड़की को कि ये वही व्यक्ति है जिसे कि हमने हमारे घर में शरण दी है। Yes, that was a fine fellow you let into the house. देख लो, ये वही आदमी है जिसे तुमने घर में आने दिया, घर में रुकने दिया। Said her father, उसके पिता ने बोला, I only wonder how many silver spoons are left in the cupboard by this time. मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, मुझे डर है कि शायद वो जो हमारी आलमारी है उसमें से चांदी की चम्मचों को ही उठा के ले गया हो। देखते हैं चलो कितनी चांदी की चम्मच उस आलमारी में बची हैं। द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप्स, उनकी जो गाड़ी थी, वैगन यानी गाड़ी, उनकी गाड़ी मुश्किल से ही जो सामने की सीढ़ियाँ थी उन पर रुकी ही थी, है ना। द आयरन मास्टर आस्क्ड द वैलेट, आयरन मास्टर ने उस मैन सर्वेंट से पूछा, वेदर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल देयर, कि क्या वो अजनबी व्यक्ति अभी भी यहीं पे है। ही एडेड दैट, और उसने यह भी कहा, दैट ही हैड हर्ड एट चर्च, उसने उस नौकर को बताया कि उन्होंने चर्च में सुना है, दैट द मैन वाज ए थीफ, कि वो व्यक्ति चोर था। द वैलेट आंसर्ड दैट, उस मैन सर्वेंट ने उत्तर दिया, दैट द फेलो हैड गॉन, कि वो व्यक्ति जा चुका है, एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनी थिंग विद हिम एट ऑल, और वो अपने साथ कुछ भी नहीं लेके गया है, कुछ भी चोरी करके नहीं ले गया है। ऑन द कंट्रेरी, और इसके विपरीत, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड ए लिटिल पैकेज, वह एक छोटा सा पैकेट छोड़ के गया है, Which Miss Wilmansion was to be kind enough to accept, और वो कह गया है कि Miss Wilmansion को कहना कि कृपया इसे स्वीकार कर लें एज ए क्रिसमस प्रेजेंट, क्रिसमस का गिफ्ट मेरी तरफ से, इसे एक क्रिसमस के गिफ्ट के रूप में Miss Wilmansion इसे स्वीकार कर लें, ऐसा वो कह के गया है। द यंग गर्ल ओपन्ड द पैकेज, यंग गर्ल ने, लड़की ने एक उस पैकेट को खोला, विच वॉज सो बैडली डन अप, जो कि उसने बड़े बुरे तरीके से पैक किया था, इस तरह से दैट द कंटेंट्स केम इनटू व्यू एट वंस, है ना, कि जैसे ही उसको थोड़ा सा ही खोला था कि जो अंदर चीजें थी वो सब दिखने लग गई। सी गेव ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय, वो खुशी के मारे चीख उठी, खुशी के मारे वो चिल्लाई। सी फाउंड ए स्मॉल रैट ट्रैप, उसने पाया उसके अंदर एक छोटा सा चूहेदानी पाई उसने, एंड इन इट, और उसके अंदर ले 3 रिंकल ट्रेन कॉर्नर नोट्स, उसके अंदर 3, है ना, सलवट पड़े हुए 10-10 क्रोनर के नोट्स थे। बट दैट वॉज नॉट ऑल, और सिर्फ यही नहीं था, इन द रेड ट्रैप ले ऑल्सो ए लेटर रिटन इन लार्ज जैग्ड करेक्टर्स, उसके अंदर एक पत्र भी था जो बड़ी बड़ी, है ना, टेढ़ी मेढ़ी लिखावट में लिखा गया था, टेढ़े मेढ़े अक्षरों में, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया था। ऑनर्ड एंड नोबल मिस, परम सम्माननीय नोबल मिस, महान उत्कृष्ट मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, चूंकि आप मेरे प्रति इतनी करुणामयी रही हैं इस दौरान,
एज इफ आई वाज ए कैप्टन, मानो कि मैं कौन हूँ, सचमुच का कैप्टन हूँ, आप मेरे प्रति इतनी ज़्यादा दयालु रही हैं। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, मैं भी आपके प्रति अच्छा होना चाहता हूँ। इन रिटर्न, बदले में, एज इफ आई वॉज ए रियल कैप्टन, जैसे कि मैं भी क्या हूँ, एक सचमुच का कैप्टन हूँ। फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्ब्रेस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाई ए थीफ, क्योंकि मैं आपको इस क्रिसमस के मौके पर एक चोर के द्वारा एम्ब्रेस फील होता हुआ नहीं, एम्ब्रेस फीलिंग करता हुआ मैं आपको नहीं देखना चाहता हूँ कि आपने मेरे प्रति इतनी दया दिखाई और मैं आपको क्या करके जाऊँ, दुख पहुँचा के जाऊँ, ऐसा मैं नहीं कर सकता। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, और आप ये जो पैसा है इसे सड़क के उस पार रहने वाले उस वृद्ध व्यक्ति को दे देना। हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम, जिसने इस पैसे को कहाँ टांग रखा था, एक पाउच के अंदर टांग रखा था, पर्स के अंदर टांग रखा था, और उस पर्स को उसने कहाँ लटका रखा था, विंडो फ्रेम में लटका रखा था, खिड़की के फ्रेम में लटका रखा था, एज ए बेट फॉर ए पुअर वैंडरर्स। अब देखो यहाँ ये कुछ बात कहना चाहता है ना, कि अगर हम ऐसे ही चीज़ों को खुले में रख देंगे, है ना, जैसे पैसा हुआ, ऐसी कोई चीज़ें हुई, तो बेटा क्या होता है, देखो कि जो अन्य लोग होते हैं, जो बेचारे गरीब होते हैं, गरीब मान लो या जैसे तरह भिखारी हैं, इस तरह के जो लोग हैं जिनके जीवन में अभाव होते हैं, तो कुछ लोग तो समझदार होते हैं, लेकिन कुछ जो हल्के फुल्के उठाई गिरा टाइप होते हैं, है ना, तो उनके लिए एक तरह से वो ललचाती हैं वो चीज़ें, और वो उनको चोरी कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये कि हमें हमारी चीज़ों को बड़े सावधानी पूर्वक, है ना, रखना चाहिए। अब देखो यहाँ पे एक दूसरी चीज़ ये भी है कि जो भी आपके पास में है, धन है, दौलत है, शान है, शौकत है, तो उसका हमें ज़्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हम दिखावा करते हैं इससे जो अन्य व्यक्ति हैं वो भी ललचाते हैं उस दिखावे को देख के, और वो भी हमको क्या करते हैं, हमारा नकल करने की कोशिश करते हैं, और उस नकल करने के दौरान वो भी क्या करते हैं, गलत रास्ते अख्तियार करते हैं, है ना। तो एक तरह से ये जो शान, शौकत, धन, दौलत, है ना, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, है ना, ये बड़ा लेविस जो लाइफस्टाइल है, ये सब क्या करते हैं, एक तरह से बेट का कार्य कर रहे हैं, एक प्रलोभन का कार्य कर रहे हैं, यानी हम खुद उनको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम साथ के साथ दूसरे व्यक्तियों को उसे यूज कराने के लिए लालायित कर रहे हैं, उनको प्रलोभन दे रहे हैं कि हाँ देखो, और हम इतराते हैं उन चीज़ों को ऐसा करते हुए। तो एक तरह से हम इनडायरेक्ट वे में, है ना, लोग बड़ी बड़ी महंगी महंगी शादियां करते हैं, है ना, पता नहीं 50-50 लाख रुपए खर्च कर देते हैं, 25-25, 30-30, 50-50, बड़े बड़े आदमी तो बेटा करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, है ना। अब जो लोग दूसरे लोग जो देखते हैं जिनके पास पैसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में ये भावना उठती है कि यार हम भी हम ऐसा ही करें, तो एक तरह से ऐसा जो ये जो वैभव प्रदर्शन है ये दूसरे लोगों को अनैतिक कार्य करने के लिए मजबूर करता है। तो देखो वो रैट ट्रैप सेलर यही कह रहा है कि वो उस व्यक्ति ने, अगर वो उस पाउच को, सोचो तुम, अगर वो उस व्यक्ति को नहीं दिखाता उस पर्स में से उन 3 नोट को, है ना, और उसको चलो दिखा भी दिया कोई बात नहीं, लेकिन अंदर आलमारी में रख देता, है ना, तो फिर वो, और उसने तो क्या किया, उनको खिड़की पे लटका दिया, जिससे कि सामने वाले को क्या आए, ललचा आए वो इसको देख के, है ना, तो एक तरह से उसने प्रलोभन का कार्य किया उसके, तो यही कह रहा है वो कि ये उस वृद्ध व्यक्ति को लौटा देना जो सड़क के उस पार रहता है। हु हैज द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम, जिसने उस पर्स को लटका रखा था विंडो फ्रेम में, जैसे कि क्या हो, वो बेचारे गरीब भटकने वाले लोगों के लिए एक प्रलोभन हो, बेट हो, ठीक है ना। द रैट ट्रैप इज एक क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम ए रैट। अब देखो अपने आप को खुद वो रैट बता रहा है, क्योंकि वो फंस गया ना इस जाल में, इसलिए कि ये जो चूहेदानी है ये एक चूहे की तरफ से आपको गिफ्ट है, क्रिसमस का गिफ्ट है। हु वुड हैव बीन कॉट इन दिस वर्ल्ड रैट ट्रैप इफ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन, है ना। तो अब उसने अपने आप को उस चूहे से तुलना कर रहा है वो, कि जो हु वुड हैव बीन कॉट इन द वर्ल्ड रैट ट्रैप, कि वो इस संसार के इस बड़े चूहेदानी में फंस जाता, इफ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन, अगर वो कैप्टन न बना होता, अगर वो अपने आप को कैप्टन नहीं मानता,
है ना, जब ये चीजें लौटा रहा है वो, तो अपने आप को उसने कैप्टन के स्तर पे उठा लिया है कि एक कैप्टन जो है ना इस तरह के कार्य नहीं कर सकता, ठीक है ना, बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, है ना। जब उसने अपने आप को कैप्टन समझा, तभी उसने अपने आप को उन पावर्स से युक्त पाया जिनसे वो अपने आप को क्या कर सके, क्लियर कर सके, अपनी आत्मा की शुद्धि कर सके, ठीक है ना। यानी कोई बुरा व्यक्ति है तो जब तक वो अपने आप को ऊंचे स्तर पर नहीं उठाएगा, तब तक वो उन चीजों को छोड़ेगा नहीं, उन चीजों को त्यागेगा नहीं। रिटर्न विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, ये जो पत्र है ये मित्रता में लिखा गया है और आपके प्रति अगाध श्रद्धा मेरे अंदर है, कैप्टन वॉन स्टेहल। अपने आप को क्या लिख रहा है वो, कैप्टन वॉन स्टेहल, है ना। तो देखो बच्चों, ये कहानी कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है, हमें जीवन की सीख देती है कि जो हमारे पास है, ईश्वर ने जो हमें दिया है, उसे हमें खुले मन से स्वीकार करना चाहिए, पूरी श्रद्धा के साथ स्वीकार करना चाहिए, और आगे बढ़ने के लिए ईमानदारी से, है ना, जो ऑनेस्ट वेज हैं उनको अपना के हमें अपने जीवन पथ पे आगे बढ़ना चाहिए। इस संसार की जो भूल भुलैया है, इस संसार की जो लुभावने जो चीज़ें दिख रही हैं हमको, बड़े बड़े लोगों के घर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, शानो शौकत, बड़ी बड़ी पार्टियाँ, है ना, बड़े बड़े आयोजन लोगों के, तो ये क्या है, ये सब एक प्रलोभन है, एक चूहे दानी के अंदर चूहे को फंसने के लिए बेट है, ये प्रलोभन है ना। तो हमें इन प्रलोभनों से बच के रहना है, ठीक है बच्चों। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा बेटा तो मुझे कमेंट करके बताएं, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, खुश रहें, गॉड ब्लेस यू ऑल। बेटा सब बच्चे आप लोग ईश्वर के बच्चे हैं और इस देश, भारत देश को, है ना, आप लोगों की जरूरत है। आप अच्छे इंसान बने, भाई भाइयों में प्रेम रहे, कोई जाति, धर्म, लिंग, भाषा, इनके आधार पर किसी भी प्रकार का हम विभेद न करें, मानव को एक मानव के रूप में हम देखें, ठीक है बच्चों। गॉड ब्लेस यू ऑल।